चल हेलो हेलो चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे लोग का आवाज आ रही है क्या? लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे लोग आवाज आ रही है? इतना एक बार प्लीज कंफर्म कर देना बेटा जल्दी, सो दैट वी कैन स्टार्ट। जल्दी जल्दी बता देना बेटा। ओके ओके चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका क्या नाम है? टैक्सेशन। क्या नाम है बेटा? टैक्सेशन। ऑलरेडी मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया, टैक्सेशन के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी जो पहला सेशन रहेगा वो किसका रहेगा? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के सेशन के बाद आपको ब्रेक मिलेगा, उसके बाद क्या रहेगा बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या रहेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। सब बच्चे लोग को मैंने बोला था आपको क्या खरीदनी पड़ेगी? एक बड़ी बुक। बुक दिखाइए मेरे को यहाँ पे। हर बच्चे के पास एक 300 से 400 पेज की दो बुक इनकम टैक्स की कंपलसरी लगेगी। कितनी बुक लगेगी? दो बुक। रजिस्टर बोल लो, बुक बोल लो, नोटबुक बोल लो, जो आप बोलते हो वो छोटी वाली मत लाना। इसके अंदर जो छोटा साइज देता है वो लाना मत। सिमिलरली नंबर ऑफ पेजेस भी छोटे साइज के लाना मत। ये बात सबने दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है? जैसे जैसे अपन क्लास में आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि हम लोग लिखने का भी काम बहुत ज़्यादा करते हैं। लिखने का काम करने के पीछे का एक ही रीज़न रहता है कि अपन लिखेंगे तो अपने को थोड़ा ज़्यादा याद रहता है, और कोई कारण नहीं है। तो सब बच्चे लोगों ने ऐसा दो बुक कंपलसरी क्या करना है? रखना है। एक बुक अभी लगेगा, उसके बाद आपको क्या लगेगा? दूसरा। बेटा ये वीडियो क्वालिटी कम करना ज़्यादा करना ये मेरे को नहीं आता है, टेक्निकल टीम को आता रहेगा, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे को टैक्स आता है, लॉ आता है, टेक्निकल चीज़ें के अंदर मैं बहुत अनपढ़ गवार हूँ। जो सब्जेक्ट मेरे को आता है वही चीज़ें मैं आपको करा सकता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम का सेशन लिया था टैक्स के बारे में, है ना? बेटा इनडायरेक्ट टैक्स का सवाल इनडायरेक्ट टैक्स में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी ये किसका सेक्शन है? डायरेक्ट टैक्स का। किसका है? डायरेक्ट टैक्स का। भाई सबसे बड़ा सवाल था कि टैक्स लिया क्यों जाता है? हमने समझा था कि टैक्स लेने के पीछे बहुत सारे क्या है बेटा? बहुत सारे क्या है? वाईफाई लेना पड़ेगा क्या? मैंने पहले ही बोला है बेटा वाईफाई लेना ले लो। ये सब सवाल देखिए यार, मेरे को लगता है ये सब सवाल के जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैंने जिस दिन 7 तारीख को भी लेक्चर रखा था उस दिन भी बोला था कि क्या ले लो? वाईफाई। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। तो बेटा अगर अभी आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो इंटरनेट तो कंज्यूम हो गई, उस भाई मेरा कुछ लेना देना नहीं है। भगवान कसम जियो के साथ मेरा कुछ भी सेटिंग नहीं है, वो मेरे को कोई कमीशन देता नहीं है। समझ में आया क्या? अब आपके यहाँ पे वाईफाई नहीं है तो आप इंटरनेट का देखिए कैसे प्रावधान किया जा सकता है। आपको करना पड़ेगा। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वो धंधे बंद कर दिए कि इंटरनेट के कनेक्शन लगा के दूँ लोगों को। मेरा अभी काम क्या है बेटा? टैक्स पढ़ाना। टैक्स पढ़ाना मेरा काम है। आपको उसके लिए लगने वाले रिसोर्सेस आपको उपलब्ध करने पड़ेंगे। समझ में आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाप का काम बेटे को शादी करा के देना है। आगे भी आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमारे पास ये एफएक्यू के लिए, डाउट के लिए जगह नहीं रहता है, ठीक है? चलिए आ जाइए फटाफट। मस्ती में तुम लोग ने कुछ भी मतलब निकाल लिया इसका, ध्यान दो इसका। भाई वाई टैक्स? टैक्स क्यों लगता है? अपन ने देखा था उस दिन बहुत सारी चीज़ें। गवर्नमेंट को टैक्स लगेगा देश को क्या करने के लिए? चलाने के लिए। इंडिया को अगर उनको क्या करना है? रन करना है, सेफ रखना है, डेवलप करना है, तो उनको क्या लेना पड़ रहा है? टैक्स। क्या लेना पड़ रहा है? टैक्स। सवाल ये उठता है, अभी सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, सब लोग अभी ध्यान देंगे, लाइव स्ट्रीमिंग में अभी ध्यान देंगे चुपचाप। अभी कंसेप्ट से भाई, टैक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लॉ के अंदर भी आपको कंसेप्ट है, टैक्स के अंदर भी आपको कंसेप्ट है। आप लोग अगर बिना मतलब मस्ती करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सबने ध्यान देना है, ठीक है? व्हाई टैक्स? इंडिया को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, डेवलप करने के लिए। सवाल उठता है, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं मोदी सरकार, क्या कर रही है? टैक्स कलेक्ट कर रही है। क्या मोदी सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है? क्या उनके पास टैक्स कलेक्ट करने का पावर है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार। कल देखिए, अभी आप बात को समझे। मोदी जी भाई शाम को बोर हो रहे, उन्होंने अमित शाह को फोन लगाया, अमित यार बोर हो रहे हैं, आज बोला चलो निर्मला को फोन लगाते। निर्मला को पूछा, निर्मला क्या कर रही हूँ? बोले बोर हो रहा है।
मतलब चलो लोगों की जिंदगी क्या करते हैं, हराम, क्या लगाते, एक नया टैक्स। तो मोदी जी बोला, यार मैंने डेटा निकाला, हमारा जो देश है यहाँ पे बहुत सारा यूथ है। क्या है यूथ? मोदी जी पोर्टर भी वही करते ना, यंग इंडिया। बोले ये यंग इंडिया को ओयो रूम बहुत यूज करते हैं लोग। क्या यूज करते हैं लोग, पता नहीं क्यों यूज करते, मेरे को नहीं पता। आपको अगर पता चल जाए तो मेरे को क्लास के बाद जरूर बताना, अभी मत बताना। तो मोदी जी बोले, यार ओयो रूम बहुत यूज हो रहा है, अपन एक टैक्स लगाते, ओयो टैक्स। और ये आ से आ तक है। अब ध्यान से सुनना है। अरे भाई तुम कंसेप्ट के ऊपर भी ध्यान दो, भावनाओं में भेव मत, कंसेप्ट के ऊपर भी ध्यान दो। अब सोचो मतलब क्या है ना। मोदी जी ने बोला, भाई अभी आ से आ तक का एक नया टैक्स लगाना, उस टैक्स का क्या नाम है, ओयो टैक्स। क्या नाम है? सवाल उठता है, क्या मोदी जी ये टैक्स लगा सकते हैं? अरे वाह वाह वाह, मतलब मेरे मोदी के यंग इंडिया मोदी जी ऐसे कोई भी नाम का टैक्स नहीं लगा सकते। मोदी जी ऐसे कोई भी नाम का टैक्स नहीं लगा सकते। मोदी जी के पास कोई भी चीज का टैक्स, हेयर कट नहीं किया उसका टैक्स, कोई भी टैक्स, दो से ज्यादा एक बच्चे रख लिए एक और टैक्स, हाँ भाई, एक शादी से ज्यादा शादी कर ली टैक्स। अरे आप सोचो ना, ये आपके साथ मैंने जो इतना अब्सर्ड बात किया है उसके पीछे का कोई रीजन है? मस्ती के साथ आपको कल्चर दिमाग में बिठाना है। आप इमेजिन करो ना, तानाशाह लोग रहते ऐसे ही करते ना, उनके मन में जो आया वो कर लेते। क्या मोदी जी ऐसा कर सकते क्या? नहीं। बोले तुमने एक से ज्यादा शादी कर ली टैक्स। बोले मेरे एक नहीं रही, तुमने दो कर ली टैक्स। बोले बच्चे तुमने दो से ज्यादा कर लिए टैक्स। कोई भी नाम का टैक्स कर लिया उन्होंने, कोई भी नाम का उन्होंने क्या लगा दिया, टैक्स। ऐसा चलेगा क्या? नहीं। उनको अगर टैक्स लेना है तो उनको टैक्स लेने के लिए क्या चाहिए? पावर। और ये पावर मोदी जी को कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन देता है? यार आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत मोदी जी आपके पास से टैक्स ले सकते हो पढ़ाने वालों, कॉन्स्टिट्यूशन। इसे मैंने आपको देखो जब लॉ पढ़ा था बताया कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्या रहता है, इंपॉर्टेंट। अबे सोचने वाली बात है, मोदी जी कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते, पता है क्या तेरे को? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मोदी जी को पावर दिया गया है वही चीज के ऊपर मोदी जी क्या लगा सकते हैं, टैक्स। नोबडी इज अबाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है क्या? नहीं। नोबडी इज अबाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर मोदी जी को टैक्स लगाना है तो उनके पास क्या रहना चाहिए? पावर। तो अभी अगर मैं आपके साथ बात करूं अभी के लिए, क्या मोदी जी के पास इनकम टैक्स लेने का पावर है? हाँ सर। कौन से आर्टिकल के अंदर वो पढ़ने वाले, वो क्या करने वाले, अपन पढ़ने वाले। तो यार टैक्स लगाने के लिए मोदी जी के पास क्या रहना चाहिए? पावर रहना चाहिए। तो अभी तो अपन ने देखा, अच्छा पावर रहेगा तो ही लगा सकते, नहीं तो नहीं लगा। अब मोदी जी के पास पहले तो होना चाहिए टैक्स लगाने का पावर, देश चलाने के लिए उनके पास राइट रहना चाहिए, पावर। पावर देश चलाने के लिए क्या चाहिए उनको? राइट, पावर। दूसरा उनको क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। देश को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल क्या बोलते हैं अपन अभी पढ़ने वाले, लेकिन उससे पहले अपन समझेंगे कि मोदी जी के पास पैसा कहाँ से आता है, मोदी जी के पास पैसा कहाँ से आता है। अब अपन समझेंगे पैसे के बारे में। देखिए अपन ने एक, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़े रहेंगे तो अपन एक कैरेक्टर था जिसका क्या नाम था? गोपू। क्या नाम था? गोपू। गोपू है ना कॉमर्स का स्टूडेंट है। किसका स्टूडेंट है? कॉमर्स में वो क्या पढ़ रहा है? CMA। क्या पढ़ रहा है? CMA इंटर होने के बाद इसको मार्केट में क्या मिल गई? इज्जत। क्या मिल गई? इज्जत। अब उस इज्जत के चक्कर में इसको क्या मिल गई? गर्लफ्रेंड, जिसका क्या नाम है? गोपी। क्या नाम है? गोपी। क्या नाम है? गोपी। क्या नाम है? गोपी। गोपी कौन है? गोपू की गर्लफ्रेंड। अभी देखो 14th February आ रहा है, मालूम है क्या तुमको? मालूम तो है ही तुमको, प्रेम दिवस। मैंने अभी हिंदी में बोला है, इंग्लिश में तुम इसका कुछ भी मतलब निकाल देते। तो गोपू जो है, अरे नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग हंस रहे तुम भी हंस लो, ऐसे ही है, इसी का नाम जिंदगी है। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तेरे को नहीं समझा।
अब जो गोपू है, ध्यान से समझना, 14 फेब को गोपू को, गोपी को क्या देना है? गिफ्ट देना पड़ेगा ना, गिफ्ट। अरे मैं तुमको पूछा गिफ्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अरे नहीं दिया तो लॉकडाउन हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है क्या? तो गिफ्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। गिफ्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब ये गिफ्ट की जो कीमत है, बजट बनाया, कॉमर्स का बनता है ना, क्या बनाएगा कभी भी? बजट, कितने रुपए का गिफ्ट दूंगा, बजट बनाना पड़ेगा ना। तो उसने बजट बनाया, कितने रुपए का गिफ्ट देने वाला है? 10,000। क्या भाई 10,000 कौन सा है? अच्छा 14 फेब को पेरेंट्स से भी बोलते क्या? नहीं, एक बच्ची बता रही मेरे को। हाँ साला उसी दिन प्रेम करते हैं, उसी दिन प्यार है, भगवान। चलो ध्यान दो, अबे तुम ध्यान दो बे। चलो चलो टॉपिक पे आओ फटाफट। भेना मत, भावनाओं में भेना मत, रुक जाना। क्या बात है, 14 फेब को पेरेंट्स से भी बोलते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं मेरे को कसम से नहीं मालूम था, मेरे को तो 14 फेब और चिल्ड्रन डे ये दो ही मालूम थे। उसका भी 9 महीने का गैप मेरे को बाद में समझ में आया क्या है। ठीक है, तो यार इसने बजट बनाया, कितने रुपये का बजट बनाया? 10,000। कितने रुपये का बजट बनाया? 10,000। 10,000 रुपये का खर्चा करने वाला है, बजट बनाया। अब देखिए 10, उसको कितने रुपये चाहिए? 10,000। कितने रुपये चाहिए? 10,000। अब गोपू आर्टिकलशिप स्टार्ट कर चुका है ना, इंटरमीडिएट क्लियर है, ऑफिस वगैरह जा रहा है, किधर जा रहा है? ऑफिस। ऑफिस से उसने जो काम करता है, वो क्या करता है? काम। स्टाइपेंड मिलता है उसको, क्या मिलता है? कितने रुपये मिलते हैं उसको? 5,000। कितने रुपये मिलते हैं? 5,000। कितने रुपये मिलते हैं? 5,000। 5,000 रुपये उसको मिलते हैं। कितने रुपये मिलते हैं उसको? 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये की तो उसके पास क्या हो गई? व्यवस्था। क्या हो गई? व्यवस्था। बाद में गोपू किसके पास गया? अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास, बड़े भाई के पास, माता पिता के पास गया, किसके पास गया? बड़े भाई के पास। और बड़े भाई से उसने क्या मांगी? मदद। क्या मांगी? मदद। और ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जितनी बातें जब मैं मस्ती मस्ती में करता हूँ सब लिंक होता है। जो पहली बार पढ़ रहा हो भी ध्यान दे, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक होएगी बाद में, आपको समझ में आएगा कि क्यों बोला जा रहा है ऐसा, है ना। भाई से क्या मांगी? मदद। भाई को बोला, देख भाई मेरे को गर्लफ्रेंड को क्या देना है? 10,000 रुपये। भाई ने बोला, गर्लफ्रेंड तेरी? काम तेरा, पैसे मेरे, मजा तू करेगा और पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। ध्यान से सुन, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटा भाई बोला, तू बड़ा भाई है, तेरा कर्तव्य है मुझे पैसा देना, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, कंपल्सरी है। पूछ रहा हूं क्या? नहीं, बता रहा हूं। तो छोटे बड़े भाई ने कितने रुपए दे दिए उसको? 3,000। कितने रुपए दे दिए? 3,000। 3,000 रुपए बड़े भाई ने उसको दे दिए। अभी भी कितने रुपए शॉर्ट है? 2,000। कितने रुपए शॉर्ट है? 2,000। अब ये 2,000 रुपए उसने क्या किया? अपने दोस्त से क्या ले लिया? लोन। क्या ले लिया? लोन। अब अगर आप देखेंगे, गोपू ने ये 10,000 रुपए जो उसका बजट था, जो उसका क्या था? बजट, इसको कैसे रेस किया? 5,000 रुपए खुद की इनकम से, 3,000 रुपए दूसरे से लेके, जबरदस्ती के देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, देना पड़ेगा। पूछ रहा है क्या? बता रहा है। और 2,000 रुपए कैसे लिया? कर्जा, लोन लेके। तब जाके 10,000 रुपए की फंडिंग उसके हाथ में आई, तब जाके वो अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दे पाया? गिफ्ट। क्या दे पाया? गिफ्ट। समझ में आ रहा है? भारत सरकार भी वैसे ही काम करती है, भारत सरकार भी वैसे ही काम करती। पैसा चाहिए ना देश चलाने के लिए, क्या चाहिए? पैसा। भारत सरकार खुद के ओन सोर्स से भी पैसा कमाती है, जैसे रेलवे चला के, SBI का बैंक चला के, अलग अलग जो गवर्नमेंट के PSU है उसको चला के, अलग अलग का बिजनेस करके भारत सरकार क्या करती है? पैसा जनरेट करती। बाद में अपने बड़े भाई से, मतलब हम लोग, हमने ही तो इनको सरकार दी ना, आपने वोट दिया तब जाके क्या बने? सरकार। तो वो बड़े कि हम बड़े? हम बड़े। हमसे क्या लेती है वो? टैक्स। हमसे क्या लेती है? टैक्स। हमसे टैक्स लेती है। लास्ट में पैसा जब और लगता है तो क्या लेती है? लोन। लोन लेती है, कर्जा लेती है।
बाहर की कंट्री से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, अलग अलग जगह से, आपसे हमसे भी लोन लेती है, आपसे हमसे टैक्स भी लेती है, और आपसे हमसे क्या लेती है, कर्जा भी लेती है। तब जाके तो भारत सरकार जो उनका खर्चा रहता है देश चलाने का, डेवलप करने का, सेफ करने का, सिक्योरिटी करने का, तब जाके अपना ये पर्पस पूरा कर पाती है। एक खुद धंधा करके ओन सोर्स, अरे गोपू स्टाइपेंड कर रहा तो खुद काम कर रहा था ना रे, हाया ना, हाँ, दूसरा बड़े भाई से पैसा लिया जबरदस्ती, देना पड़ेगा, पूछ रहा था कि बता रहा था, बता रहा था, पूछ रहा था कि बता रहा था। तीसरा कर्जा लिया था ना भाई दोस्त से, उसी तरीके से मोदी जी ने भी क्या लिया हुआ है, कर्जा। तब जाके देश क्या होता है, चलता है, तब जाके देश क्या होता है, चलता है। अब टैक्स की दुनिया में अभी अपने को ना इससे लेना देना है, ना इससे लेना देना है, अपने को किससे लेना देना है, टैक्स से, अपने को किससे लेना देना है, टैक्स से। आप समझ में आ रहा पैसा कहां से रेज होता है? अब देखिए टैक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। टैक्स की दुनिया में अपन दो टैक्स पढ़ते, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। पैसा रेस करने का बहुत बड़ा सोर्स है सरकार का टैक्स, पैसा रेस करने का बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का टैक्स। सरकार जो आपके पास से टैक्स लेती है वो उसका बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। बहुत बड़ा सोर्स ऑफ क्या है? अच्छा बता, सरकार तेरे को पूछ रही है क्या, बता रही है, तेरे को देना पड़ेगा क्या, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या सिर्फ हाँ, हाँ पूछ ले रही, टैक्स देना ही पड़ेगा। बोले अगर हमको देश चलाना तो हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अरे वो आप आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पढ़ेंगे ना, वो लोग बोलते कि भाई टैक्स है क्या। बोले जैसे अर्थ से पानी लिया जाता है, क्लाउड्स को नहीं, क्या वो कुछ तो बोलते तुम, जो भी बोलते, हाँ साइंस फेल, हाँ क्या बोलते, इतने भारी भरकम वर्ड देंगी बहन कहाँ जाऊँगा मैं। क्या होता है, पानी से ले लेते, क्लाउड में जाता, फिर क्लाउड वापस से बारिश बन के देता, अरे आया ना, सेम टैक्स है। सरकार बोलती हम आपसे पैसा ले रहे और आप ही को क्या दे रहे, सेफ्टी सिक्योरिटी, इसलिए आपको पूछ नहीं रहे आपको क्या कर रहे, बता रहे, आपको पूछ नहीं रहे आपको क्या कर रहे, बता रहे। अब इसके अंदर भी दो आपको टैक्स मिलते हैं, एक टैक्स को क्या बोलते हैं आप डायरेक्ट टैक्स, दूसरे टैक्स को क्या बोलते हैं आप इनडायरेक्ट। अभी अपना ये पेंडिंग है कि टैक्स लगाने का पावर सरकार के पास है या नहीं है, वो है इस तो अपन पढ़ रहे, बट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बोलते हो अपन पढ़ने वाले। लेकिन अभी आप लोगों को समझने का कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बहुत बेसिक चीज है, व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए आपने काम किया हुआ है, आपने किसी शो में जाके गाना गाया, क्या गाया, गाना गाया, और गाना गाने के आपको कितने रुपए मिले, 30 रुपए, कितने रुपए मिले, 30 रुपए। अबे क्या भी तुम्हारे क्या क्या अरिजीत सिंह है तुम, माँ किया नहीं क्या, ये जितना मिला बहुत है, समझा गया, हाँ कितने रुपए मिले, 30, कितने रुपए मिले, 30, कितने रुपए कमाए तुमने, कितने रुपए कमाए तुमने, ये 30 रुपए तुम्हारे हैं, अरे हाँ या ना, ये तुम्हारे पैसे हैं, अरे हाँ या ना, तुमने मेहनत करके पैसा कमाया कि नहीं कमाया, अरे हाँ या ना, अब उसमें से 10 रुपए मैंने ले लिए, अरे मैं कौन हूँ, सरकार हूँ, सालो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तुम सरकार हो क्या, सरकार कौन है, मेरे बड़े भाई तुम लोग हो, बराबर है क्या नहीं है, हाँ बोलो सालो आया, शादी में 500 मिला था डांस में, हमारे यहां 550 दूंगा, ध्यान से, ध्यान से, गंदी गंदी बातें नहीं करनी, 550 तुम लोग कंसेप्ट की माफिन मत करो, ध्यान दो, तुमको काम करने के कितने रुपए मिले, कितने रुपए मिले, उसमें से मैंने तुम्हारे पास से कितने रुपए ले लिए, पैसा किसने कमाया और टैक्स किसने दिया, तुमने दिया ना, इसको बोलते डायरेक्ट टैक्स, इसको क्या बोलते भाई, सरकार को पैसे देने की जवाबदारी और बर्डन दोनों एक ही आदमी पे है। सरकार को पैसा कौन देने वाला है, तुम, और 10 रुपए तुम्हारे खीसे में से दे रहे कि दूसरे के खीसे में से दे रहे, तो बर्डन एंड लाइबिलिटी, क्या बोला मैंने, सेम पर्सन, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
भाई तुमने 30 रुपए कमाया, वो 30 रुपए जो तुमने कमाए उसमें से मैंने 10 रुपए ले लिया, ए मैं ले सकता हूँ, ये कंपलसरी है, तुमको पूछा नहीं है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे पावर था क्या नहीं था, लेकिन ये 10 रुपए तुमको देना ही पड़ेगा क्योंकि 10 रुपए मेरे हैं, किसके हैं, मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है, वो 10 रुपए के ऊपर मेरा हक है। मैं तुमको एक बात आज ही यहां पे बता देता हूं, डायरेक्ट टैक्स के मामले में तुम्हारी और सरकार की एक प्रकार की पार्टनरशिप है, क्या है, तुम जो भी पैसा कमाएंगे तुमको सरकार को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ये लिखी हुई पार्टनरशिप नहीं है, कहता बोलेगा सर पार्टनरशिप एक्ट है क्या, ये है क्या, वो है, कंसेप्ट के लिए बोल रहा हूं। तुमने कुछ भी कमाया तुमको सरकार को उसका भोग चढ़ाना पड़ेगा, हमारे इसमें होता ना खाने से पहले हम भगवान को चढ़ाते, सेम है कमाया चढ़ाने का, समझा क्या नहीं समझा, देना पड़ेगा। पूछ रहे क्या बता रहा है, पूछ रहे क्या बता रहा है, पूछ रहे क्या बता रहा है, बस। तो सरकार बोलता है डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जो व्यक्ति कमा रहा है, जो व्यक्ति कमा रहा है वही पैसा देगा। यहां पे बर्डन और लाइबिलिटी, बर्डन मतलब पैसा किसके खीसे में से जा रहा है, तुम्हारे, सरकार को पैसा देने के लिए लाइबल कौन है, तुम, सेम पर्सन, उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट टैक्स। सर फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ध्यान से सुन। तुमने एक 20 रुपए का चॉकलेट का पैकेट मेरे को बेचा है, कितने रुपए का बेचा, अब ये 10 रुपए नहीं, ऐसा समझो 2 रुपए, कितने रुपए है, 2 रुपए, तुमने 20 रुपए मेरे को दिए, तुमने मेरे को 20 रुपए का क्या बेचा, चॉकलेट का पैकेट, उसके ऊपर तुमने मेरे पास से कितने रुपए ले लिए, 2 रुपए एज अ टैक्स, 2 रुपए एज अ टैक्स, तो तुमने मेरे पास से कितने रुपए लिए, देखिए तुम शॉपकीपर हो, तुम कौन हो, शॉपकीपर, तुम कौन हो, शॉपकीपर। ए बेटा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, देखिए मैं एक बात बोलूंगा लाइव स्ट्रीमिंग के भी बच्चों को, कृपया करके अपनी उत्सुकता संभाल के रखें, आपकी उत्सुकता के वजह से दूसरे के लिए हानिकारक हो जाएगा। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बहुत आगे का कंसेप्ट है, जीएसटी में पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, आप कुछ वर्ड डाल दोगे दूसरा भी बेचारा बिना मतलब का क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होता क्या है, यूट्यूब है यहां वहां, अपन ने 10 लोग के डेमो देखे हुए रहते, और फिर कहीं ना कहीं फिर वो वहां का मिला हुआ ज्ञान हम यहां कहीं बिना मतलब का क्या कर लेते, प्रदर्शित करते, मत करो, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का एक तरीका है, बेस बिल्ड करना है, नया सब्जेक्ट है, तो लेट मी डू दैट, उसके बाद आप बात कर सकते हो, लेकिन अभी ऐसा मत करें प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। शॉपकीपर ने क्या किया कस्टमर को, तुम शॉपकीपर हो, तुमने क्या किया, 20 रुपए का क्या बेचा मेरे को, चॉकलेट का पैकेट, क्या बेचा, उसके बाद तुमने मेरे से 2 रुपए क्या ले लिए, टैक्स, जीएसटी बोल के, क्या बोल के, अभी जीएसटी क्या है, जीएसटी के लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी मत चालू कर देना, बस मेरे को तुमको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का क्या बताने का है, डिफरेंस, 2 रुपए तुमने मेरे पास से क्या ले लिए, 2 रुपए मेरे पास से क्या ले लिया, जीएसटी, क्या ले लिया, जीएसटी, मैंने तुमको टोटल कितने रुपए दिए, 22 रुपए, कितने रुपए दिए, 22 रुपए। अब इसमें से ये जो 2 रुपया है ना, 2 रुपया ये तुम शॉपकीपर किसको देगा, सरकार को, किसको देगा, किसको देगा, ये 2 रुपए दिए किसने थे, कस्टमर ने, किसको दिए थे, शॉपकीपर ने, किसको दिए, 2 रुपए देने की लाइबिलिटी किसकी है, लाइबिलिटीज शॉपकीपर, गया किसके खीसे में से, गया किसके खीसे में से, अगेन बोलो, गया किसके खीसे में से, कस्टमर के खीसे में से गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। लाइबिलिटी दूसरे बंदे पे है, बर्डन, लाइबिलिटी दूसरे बंदे पे है, बर्डन आपके खीसे में से थोड़ी जा रहा है, कस्टमर के खीसे में से, कस्टमर आपको देगा, आप सरकार को दोगे। और डायरेक्ट टैक्स में क्या था, आपने जो कमाया है उसमें से तुमको सरकार को देना है, जा रहा भी तुम्हारे खीसे में से, जा रहा भी तुम्हारे खीसे में से, और लाइबिलिटी भी तुम्हारी है, तुमको ही देना पड़ेगा, तुमको ही देना पड़ेगा। यहां पे पैसा दे कौन रहा है, कस्टमर के खीसे में से जा रहा है, सरकार को दे कौन रहा है, शॉपकीपर। इसको क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स। जिसके अंदर होता क्या है, जिसके अंदर होता क्या है, बर्डन एंड लाइबिलिटी,
नॉट सेम पर्सन, बर्डन एंड लाइबिलिटी नॉट सेम पर्सन। मैं शॉपकीपर हूं, मैं लाइबल हूं सरकार को 2 रुपए देने के लिए, मैं लाइबल हूं, हाँ या ना? पर ये बर्डन मैं पैसा किससे ले सकता हूं? तुमसे, तुमसे लेके मैं सरकार को दूंगा। मेरे खीसे में से जा रहा है क्या? मैंने मेरी लाइबिलिटी क्या कर दी, मेरा बर्डन क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया तुम्हारे अंग पे। सरकार को पैसा देने की जवाबदारी मेरी है, लेकिन वो बर्डन मैंने तुम्हारे अंग पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। उसको अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। उसको अपन क्या बोलते हैं? अब मैं आपको एक सवाल करूंगा जिसका आपको मेरे को जवाब देना है, लाइव स्ट्रीमिंग को भी मेरे को जवाब देना है। ये दोनों टैक्स में से कौन सा टैक्स पे करने में एक इंसान की जान दुखती है? जो लाइबल है, 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 टैक्स देना तो सब। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सवाल भी ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, एकदम आप लोगों को ध्यान देने का है, ध्यान से सुनो। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। देखिए, बर्डन की बात नहीं चल रही, लाइबिलिटी की बात चल रही। क्या बात चल रही? लाइबिलिटी। कौन से टाइम पे इंसान को जान पे आता रहेगा टैक्स भरने को? टैक्स देने तो हर टाइम पे आता है, पर कौन से टाइम पे आता है? क्यों डायरेक्ट टैक्स के टाइम पे तकलीफ होती है? क्योंकि खुद के पॉकेट में से पैसा जाता है, क्योंकि खुद के पॉकेट में से क्या जाता है? पैसा। क्योंकि खुद के पॉकेट में से क्या जाता है? पैसा। ये हमारे पॉकेट में से हमको पैसा देना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स की चोरी ज्यादा है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स की चोरी क्या है? ज्यादा। इनडायरेक्ट टैक्स में मेरे को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैं आपसे पैसा लूंगा और सरकार को दूंगा, मैं आपसे पैसा लूंगा और सरकार को। डायरेक्ट टैक्स में तकलीफ हो रही है क्यों? क्योंकि भाई साहब, पैसा मेरे खीसे में से जा रहा है। पैसा किसके खीसे में से जा रहा है? मेरे। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है। यहाँ पे लाइबिलिटी बर्डन सेम पर्सन पे रहती है, वहां पे लाइबिलिटी बर्डन, लाइबिलिटी अलग पर्सन पे, बर्डन दूसरे पर्सन पे। जो पर्सन लाइबल है वो बर्डन दूसरे पे शिफ्ट कर सकता है, वो दूसरे पे क्या कर सकता है? शिफ्ट कर सकता है। ये याद रहेगा पक्का? बुक में सब दिया हुआ है, जो बुक है उसके अंदर आपको सब मिलेगा। लिखना है तो लिख सकते, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक। यहां तक सबके दिमाग में बात बैठा गया? सबके दिमाग में यहां तक बात बैठा गया? ध्यान से सुनना, खत्म नहीं हुआ बेटा, चीजें धीरे धीरे बिल्ट होगी। मैं अभी डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं करूंगा। जो डायरेक्ट टैक्स है, जो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। जो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। कौन से नेचर का है? कौन से नेचर का है? सर एक वर्ड आया, एक वर्ड आया, प्रोग्रेसिव नेचर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर? What is the meaning of progressive nature? Progressive nature का मतलब होता है जिसके पास ज्यादा पैसा उसके पास से ज्यादा टैक्स, जिसके पास कम पैसा उसके पास कम टैक्स, जिसके पास ज्यादा पैसा उसके पास ज्यादा टैक्स। हायर द इनकम, हायर द इनकम, हायर द इनकम, लोअर द इनकम, लोअर द इनकम। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है। कौन से नेचर का है? थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आप जब टैक्स रेट पढ़ोगे, थर्ड या फोर्थ लेक्चर, फोर्थ में होएगा मोस्टली, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आप क्या पढ़ोगे? टैक्स रेट। आपको मैं दिखा दूंगा कि देख, कम इनकम वाले से कम टैक्स है, ज्यादा इनकम वाले से ज्यादा टैक्स है। हायर द इनकम, हायर द टैक्स, लोअर द इनकम, लोअर द टैक्स। बिकॉज वी आर अ वेलफेयर नेशन, हम लोग एक वेलफेयर लेजिस्लेचर है, तो हम लोग अमीरों से ज्यादा लेते, गरीबों को कम लेते। एक्चुअली अमीरों से लेके किसको देते? गरीब को। अब बात समझ, मैंने तेरे साथ एक मस्ती करी थी, बड़ा भाई बोल रहा था गर्लफ्रेंड तेरी है, मजे तेरे, मैं पैसा क्यों दूं? भाई साहब समझ, सेम टैक्स के साथ होता है। तेरी इनकम ज्यादा है, तेरे को ज्यादा टैक्स देना पड़ता। तू बोलता उससे लेना, उससे क्यों नहीं ले रहा है? बोले हे भाई, तेरे को पूछ नहीं रहे, तेरे को बता रहे।
तेरी जवाबदारी कि तूने टैक्स देना पड़ेगा। चले कि नहीं तो नाइंसाफी, कोई नाइंसाफी नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे पैसा लेके दूसरे की मदद की जाएगी, क्योंकि हमको इक्वालिटी भी तो लाना है। जिसके पास ज़्यादा सरप्लस है उसके सरप्लस यूज किए जाएंगे एक देश के बाकी के भाई बहनों के वेलफेयर के लिए। एट द इंडिया भी तो क्या है, घर है ना रे भाई साहब। अगर घर का कोई सदस्य ज़्यादा कमाते तो अपन उससे पैसे लेके जो कमजोर है उनकी मदद करते क्या नहीं करते? सेम, उसी को वेलफेयर लेजिस्लेचर बोलते। सेम थीम पे हमारा टैक्स चलता है, डायरेक्ट टैक्स का। कौन से नेचर का ये? प्रोग्रेसिव। कौन से नेचर का ये? हायर इनकम। हायर इनकम हायर टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन और लाइबिलिटी दोनों एक आदमी की है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन और लाइबिलिटी किसकी है? एक आदमी। डायरेक्ट टैक्स कौन से नेचर का रहता है? प्रोग्रेसिव। कौन से नेचर का रहता है? सवाल ये कि सर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा डायरेक्ट टैक्स में आता है कि ज़्यादा पैसा इनडायरेक्ट टैक्स में आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि पैसा तेरे से लेके दूसरे को गवर्नमेंट को देना है। डायरेक्ट टैक्स तो खुद की इनकम में से देना है ना, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को क्या मिलता है? ज़्यादा रेवेन्यू। ज़्यादा पैसा किधर मिलता है? इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट का अगर आप शेयर देखें टैक्स के अंदर, तो इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को ज्यादा क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी, भूलना नहीं है। अब सवाल उठता है, अभी अपन आगे जाएंगे। सर आपने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर इनको राइट है और कौन से आर्टिकल में इनको राइट नहीं है। देखिए, अगर मोदी जी को टैक्स लगाना है तो मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जा सकते क्या? नहीं। मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जा सकते क्या? नहीं। ध्यान से सुनने का, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नंबर है 265। आर्टिकल का क्या नंबर है? आर्टिकल का क्या नंबर है? ये क्या बोलता? नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट by the authority of law। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबने ध्यान देना है। आज अपन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें देखेंगे टैक्स के ऊपर, है ना। ये क्या बोला इसने? बोले नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। खतरनाक आर्टिकल 265 बोलता, हे भाई साहब अगर तुमको टैक्स लगाना है तो लॉ होना चाहिए, बिना लॉ के टैक्स, बिना लॉ के टैक्स। कानून होना चाहिए तब जाके क्या लग सकता है? टैक्स लग सकता है। बिना कानून के तुम टैक्स लगा सकते क्या? नहीं। बिना कानून के तुम टैक्स लगा सकते क्या? नहीं। फिर आर्टिकल 245 सुनना है, ये बता पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ। क्या बोलता है? पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ। किसके पास पावर है भाई? सबसे पहले तो देख, बात समझना पड़ेगा। क्या अपन टैक्स लगा सकते क्या? नहीं। टैक्स लगाने के लिए क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए। टैक्स लगाने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, अब कानून होना चाहिए। मोदी जी अपने मन से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते, मतलब मोदी जी को अगर टैक्स चाहिए तो क्या होना चाहिए? कानून। अब मोदी जी अपने हिसाब से कोई भी टैक्स का कानून नहीं बना सकते, कानून बनाने का पावर मोदी जी के पास। किसके पास है पावर? किसके पास है? मोदी जी के पास पावर है क्या? नहीं। मोदी जी के पास पावर? पार्लियामेंट के पास पावर है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये लोग क्या बना सकते बेटा? कानून बना सकते। ये लोग क्या बना सकते? कानून बना सकते। इसका मतलब पहले कानून बनाना पड़ेगा, तब जाके आप क्या ले सकते हो? टैक्स। तब जाके आप क्या ले सकते हो? टैक्स। अदरवाइज तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते नहीं हो। अदरवाइज तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते नहीं हो। दो आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम पहले। क्या मोदी जी कभी भी टैक्स लगा सकते? टैक्स लगाने के लिए क्या चाहिए? टैक्स लगाने के लिए क्या चाहिए? कानून बनाने का पावर मोदी जी के पास है क्या? किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है। कौन से आर्टिकल ने बोला?
245 बोलता है भाई, अगर तेरे को कानून बनाने का तो किस कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। मोदी जी के पास पावर नहीं है, पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। मोदी जी के पास पावर नहीं, पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। अब यहां पे कुछ वर्ड्स अपने को समझने लेवी का मतलब क्या होता है, अपन इसके ऊपर चर्चा आगे भी जाके करते लेकिन अभी समझ जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेवी? टैक्स लगाना, टैक्स लगाना। भाई मेरे को टैक्स लगाना है, टैक्स लगाना है। टैक्स लगाने के लिए भी क्या चाहिए? कानून। फिर कलेक्टेड क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्ट? ध्यान से सुन, मैंने टैक्स लगा दिया, अब तूने टैक्स भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? अरे हाँ या ना बोल, अरे हाँ या ना बोल। अगर तू नहीं भरेगा तो मैं तेरी प्रॉपर्टी बेच के मेरा टैक्स रिकवर कर सकता हूं क्या? हाँ, कलेक्टेड। अगर तुमको किसी से टैक्स कलेक्ट भी करना है तो कानून होना चाहिए। अगर तुमको किसी से टैक्स कलेक्ट भी करना है तो क्या होना चाहिए? कानून। आपने वो पिक्चर देखा ना स्पेशल 26, उसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार देती, रेड मार के लोगों की प्रॉपर्टी को क्या कर लेती है? जब्त। ऐसे ही वो लोग जब्त कर लेते हैं। क्या एक मूवी है, देखो अजय देवगन की भी एक मूवी है यार, रेड, देखा क्या वो मूवी? वो घुस जाता ना मंत्री के घर में, बराबर है क्या? नहीं भाई, ऐसा कैसा घुस गया बे, घर उसका है। मतलब ऐसा है क्या कोई भी आदमी किसके भी घर में घुस जाएगा? उनके पास पावर है, लॉ बना हुआ है, तब जाके वो ये करके क्या कर सकते हैं? पैसा रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और कंसेप्ट से समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश है ना, उधर बहुत चीजें अपन को समझ में आती है लॉ के एस्पेक्ट से। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो बहुत क्या बोल सकते हैं आप, डायनामिक पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस। जब उनके यहाँ पे किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया तो उन्होंने लोगों के फोटो डाल दिए मेन रोड पे और लिखा कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के क्या ले लेंगे हम? पैसा। कलेक्ट कर रहे ना, तुमने दंगे करे या तुमने रोड पे पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी, पत्थर फेंके, आग लगे, जिसकी वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय। जिन जिन लोगों का कैमरा में रिकॉर्ड हो गया नाम फोटो, उनके फोटो जाहिर कर दिए, बोले चुपचाप आके क्या दे दो? पैसा दे दो। नहीं दिया तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी तुम्हारी बेच के क्या ले लेंगे? पैसा ले लेंगे। उनके पास ये अथॉरिटी है कलेक्ट करने की ऐसे, बिकॉज उन्होंने क्या बनाया हुआ है? लॉ। उसी तरीके से अगर अपने को टैक्स को लगाना है या कलेक्ट करना है तो अपने को क्या चाहिए? लॉ। और लॉ बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। किसके पास है पावर? पार्लियामेंट। 245 क्या बोलता है? पार्लियामेंट के पास क्या है? पावर टू मेक द लॉ। पार्लियामेंट के पास क्या है? पावर टू मेक द लॉ। सर अभी आगे बताओ, आप ध्यान से सुनो, मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246। कौन सा आर्टिकल है बेटा? आर्टिकल नंबर 246। इसका जो 7th शेड्यूल है ना, पहले तो मैं आपको आर्टिकल 246 बताता। आर्टिकल 246 बोलता है टैक्स लॉज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टैक्स लॉज। क्या बना सकते हैं? टैक्स लॉ। टैक्स लॉज बनाने का पावर है पार्लियामेंट के पास भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी है। किसके किसके पास है? किसके किसके पास है? दोनों के पास ये क्या है? पावर। दोनों के पास क्या है? ये पावर। तो टैक्स लॉ बनाने का पावर कौन सा आर्टिकल देता है? 246। और 246 का एक 7th शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है? वो बताता है कौन से मुद्दे के ऊपर कौन सा व्यक्ति क्या बनाएगा लॉ। सर थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, क्लैरिटी यहां पे ध्यान दो। अभी सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊंगा? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दिखाऊंगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, मैंने गूगल पे सर्च किया था, गूगल का सर्च है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश में डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। किस में डाउनलोड करके रखा हुआ है? इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये रहा इंग्लिश में। इंग्लिश में ये 7th शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है? 7th शेड्यूल। इट हैज टू बी रेड विद आर्टिकल 246। किसका रेड करने का? 246। एक्चुअली 246 कौन सा आर्टिकल है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 246 बोलता है कि वह लॉ बनाने का पावर स्टेट के पास भी है, लॉ बनाने का पावर सेंटर के पास भी है।
कौन से मुद्दे के ऊपर कौन सा व्यक्ति कौन सा लॉ बनाएगा, वो किसमें दिया हुआ है, सेवेंथ स्केड्यूल, किसमें दिया हुआ है, सेवेंथ स्केड्यूल। ध्यान से सुनो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लॉ बनाने का पावर है और स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉ बनाने का पावर है, दोनों को आर्टिकल 246 ने बोला तुम लॉ बना लो, तुम क्या बना लो, लॉ। आप झगड़े हो जाएंगे ना, ये बोलता मैं भी लॉ बनाऊंगा, वो बोलता मैं भी लॉ बनाऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती दारू चालू, स्टेट गवर्नमेंट बोलती दारू बंद, लफड़ा हो गया कि नहीं हो गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती कि जुआ चालू, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बोलती जुआ बंद। जैसे बॉम्बे में बहुत साल पहले डांस बार थे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती डांस बार बंद, स्टेट गवर्नमेंट बोलती डांस बार चालू। झगड़ा हो जाएगा ना, दोनों आदमी के पास पावर है तो झगड़ा हो जाएगा। आर्टिकल 246 ने क्या किया, ये झगड़े को सलटाया, बोले देख तू भी लॉ बना, तू भी लॉ बना, तू कौन से मुद्दे पे लॉ बनाएगा, सेवन स्केड्यूल में दिया हुआ है लिस्ट। तू कौन से मुद्दे पे बनाएगा, सेवन स्केड्यूल में दिया गया है लिस्ट। देख तू यहां पे जो बैठा हुआ है, तू यूनियन है, तू सेंट्रल गवर्नमेंट है, तू कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट, अलग अलग स्टेट से तू आता है, तू भी लॉ बना सकता है, तू भी लॉ बना सकता है। तू कौन से मुद्दे पे लॉ बनाएगा, पहले बोला जहां सेवन स्केड्यूल बाहर बैठा हुआ है उसकी यूनियन लिस्ट देख, कौन सी लिस्ट देख, जो यूनियन लिस्ट के अंदर मुद्दे दिए गए हैं अराउंड 85 या 95 रहेंगे, वो लिस्ट के अंदर जो नंबर्स दिए गए, जो बातें बोली गई है, उसके ऊपर तू क्या बना सकता है, लॉ। जैसे डिफेंस है इंडिया का, कौन लॉ बनाएगा इसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन बनाएगा, कैसे पता चला अपने को, ये लिस्ट के वजह से झगड़ा नहीं होएगा ना अभी। अरे बाबा हमको हमको सर्जिकल स्ट्राइक करना था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्या मोदी जी ने महाराष्ट्र के सीएम को, बंगाल के सीएम को, कर्नाटका के सीएम को, पंजाब के सीएम को पूछ के किया कि बिना पूछे किया, क्योंकि उनके पास पावर है, उनको पूछने की जरूरत, उनको पूछने की जरूरत। नागरिकता सिटीजनशिप, जब सिटीजनशिप एक्ट आया तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर बवाल उठाया, बोले ऐसे कैसे दे सकते हैं, ऐसे कैसे दे सकते हैं। अरे सिटीजनशिप के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बनाने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट, किसके पास है, पार्लियामेंट। तो ये लिस्ट है, ये आपकी पूरी लिस्ट है, पूरी ए टू जेड, ये आपको लिस्ट मिलेगी, 95 है मेरे ख्याल से, 95 है टोटल इसके अंदर, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग मुद्दे जिसके ऊपर मोदी जी क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। 95 है मेरे को जितना, नहीं 90 ज्यादा है, 97 है, कितना है, 97। अब ध्यान से समझना सर, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि बाबा मोदी जी के पास इनकम टैक्स लगाने का पावर मोदी जी के पास है क्या, हाँ सर। किसने बोला, ध्यान से देख यहां पे एंट्री नंबर 82 पढ़, क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन अदर देन। अभी एंट्री क्या है, पॉइंट है, उसको एंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंट्री। बाबा ये लिस्ट में 97 पॉइंट्स है जिसके अंदर कौन लॉ बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट, कौन बना सकता है, कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द मैटर्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट। दे आर 97 मैटर्स विच आर बी लिस्टेड आउट एंड दोज मैटर्स आर नोन एज एंट्री, क्या बोलते हैं, इन दैट एंट्री नंबर 82 क्लियरली स्टेट दैट द टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, सॉरी टैक्सेस ऑन इनकम कैन बी इम्पोज बाय द यूनियन अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब क्या मोदी जी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं क्या, क्या मोदी जी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर चाकर भी टैक्स लगा सकते हैं क्या। कल मोदी जी का मूड हो गया, बोले एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का है, बहुत पैसा है इधर, हद से ज्यादा पैसा है। मोदी जी ने अमित को लगाया फोन, अमित क्या कर रहा है, बोले कुछ नहीं। उसने लगाया निर्मला को, निर्मला को पूछा क्या कर रही, कुछ नहीं। बोले क्या करे, बोले कुछ तो कांड करते, बोर हो रहा है, बोले चलो एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम के ऊपर क्या लगा देते हैं, टैक्स, चलो बिल लेके आओ पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। क्या पार्लियामेंट में बिल पास हो सकता है, अरे मोदी जी के पास पावर, क्योंकि ये उनके पास स्कोप में ही नहीं ना, उनके स्कोप में रहना मांगता ना, उनके स्कोप में रहता तो मोदी जी कर पाते, अदरवाइज कर पाते क्या, मोदी जी के स्कोप में है क्या, अरे हाँ या ना बोल। एंट्री नंबर 82 ने बोला, एंट्री नंबर 82 बोलता टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन, इसका मतलब इनकम टैक्स मोदी जी के अंडर आता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, मोदी जी के अंडर, किसके अंडर आता है,
सर हमको तो ये जानने की ज्यादा उत्सुकता हो गई, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं लगता? हाँ या ना, हाँ या ना भाई? लगता है। मोदी जी नहीं लगा सकते। कौन नहीं लगा सकता? कौन नहीं लगा सकता? एग्रीकल्चर इनकम को छूने का पावर मोदी जी के पास, एग्रीकल्चर इनकम को छूने का पावर मोदी जी के पास, मोदी जी के पास ये पावर नथी, वो पावर नहीं है, ये पावर स्टेट के पास है। किसके पास है? ये देखिए स्टेट लिस्ट, सॉरी ये आपकी स्टेट लिस्ट, सेकंड लिस्ट जो कौन सी है, स्टेट लिस्ट वन यूनियन लिस्ट है, लिस्ट टू कौन सी है, स्टेट लिस्ट। अब ये स्टेट के ऊपर पावर, लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास। जैसे एक अपना पुलिस, पुलिस महाराष्ट्र की पुलिस से थी, बिहार की पुलिस से थी, यूपी की पुलिस से थी, अरे हाँ या ना? अभी महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर कुछ भी रूल्स बनाने का उसका पावर किसके पास है? महाराष्ट्र सरकार। कहां से पता चला? अरे बाबा ये एंट्री है, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट के अंदर दिया हुआ है कि पुलिस का पावर किसके पास है? स्टेट्स के पास। किसके पास है? स्टेट्स के पास। टैक्सेस ऑन एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर ऑफ द स्टेट लिस्ट गिव्स द राइट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो क्या महाराष्ट्र की जो सरकार है, क्या वो अपने किसान से इनकम जो उन्होंने कमाई, इनकम क्या उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं? हाँ। कर्नाटका की सरकार जो उनके किसान रहेंगे, कर्नाटका के जो वो इनकम कमाएंगे, क्या उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। विदाउट द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कुछ कर सकते हैं? विदाउट द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कुछ कर सकते हैं? अरे बात दिमाग में जा रही क्या? अरे हाँ या ना? सवाल उठता है कि सर अभी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर आज कोई लॉ है क्या? जवाब है नहीं। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम वर्ड बोल रहा हूं मैं, आज की तारीख में कोई भी सरकार टैक्स नहीं लगा रही है। पहले के जमाने में एक दो सरकारों ने लगाया हुआ है, गुजरात ने लगाया हुआ है मेरे हिसाब से, आज की तारीख में कोई भी नहीं लगा रहे। उसके पीछे का रीजन है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वोट बैंक। अरे अपने देश में किसान एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, हम लोग जो है आम नागरिक किसान के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन किसान की न्यूज आई ना तो हम लोग किसान के अगेंस्ट जो रहेंगे उसको अपन विलन बना देते हैं कि ये खराब आदमी है। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक चलता है, बहुत बड़ा वोट बैंक। दूसरा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस की खुद की इनकम है एग्रीकल्चर की, तो उनकी सारी ब्लैक की इनकम क्या हो जाती है? वाइट, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगता। ये मेजर रीजन इनका यही है। अच्छा होता क्या है ना, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे हम किसान बोलते हैं ना, किसान फार्मर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गरीबी आ जाती है, हाँ या ना? मैं आपको बोलूं सामने वाला किसान है, यार बहुत गरीब होगा यार, पैसा ही नहीं होगा इसके पास, बहुत यार कठिन है ये, आता कि नहीं आता? हाँ। जैसे वो आता सिंपैथी आ जाती, क्या आ जाती? आती कि नहीं आती? हाँ। हकीकत उससे विपरीत है। बहुत सारे किसान करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे देश में, वो तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बाकियों का, उसके वजह से हमको ऐसा लगता है। क्योंकि आए दिन हम न्यूज में क्या सुनते हैं, किसान की कर्ज माफी, किसान ने किया भाई साहब आत्महत्या, किसान को नहीं मिला पैसा, और हम जैसे वो पढ़ते हमको लगता है क्या कर क्या रही देश की सरकार, कैसी निठल्ली सरकार है, साले किसानों को भी नहीं छोड़ रहे लोग, वो मेहनत करके ये करके, हर आदमी मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फार्मर, फार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक अलग रिस्पेक्ट है, लेकिन हमने हमारे देश में उसको इतना पॉलिटिकली इतना बना दिया है ना खतरनाक, कि उस मुद्दे को कोई छुएगा ना वो पापी हो जाएगा, टैबू बना दिया उसको, टैबू पाप। मुद्दा बहुत नॉर्मल है यार, तू इनकम कमा रहा है खेती, अभी सोच मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उस बात को समझना, है ना?
ये मेरा टेक है. इट माइट सो हैपन दैट यू माइट नॉट अग्री विथ माय पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. एक जो व्यक्ति सुवेज साफ करता है ना, सुवेज लोगों का पूरा गंदा, इजी से करेगा उसका काम, उससे अपन इनकम टैक्स लेते हैं, उसका लाइफ इजी है गया, उसका काम इजी है गया. और जो व्यक्ति ने 50 लोगों को काम पे लगा के पैसा कमा रहा है खेतीबाड़ी में, उससे अपन टैक्स लेते हैं, क्योंकि हमने पॉलिटिकली इसको इतना मतलब ये हमारा सेलिंग पॉइंट है. आप कभी भी देखो, जैसे इलेक्शन आएंगे क्या पार्टी बदलेंगी, कर्ज माफी, हजारों करोड़ का कर्ज माफ किया, ये किया वो किया. जैसे अभी एमपी में कांग्रेस की सरकार आई थी, पहले कर्ज माफी कर दिया, फिर तख्ता पलटा हमारा अमित शाह ने, वहाँ के एमपी के मामा को वापस से लाया, एमपी के जो सीएम है उनका क्या नाम है, शिवराज चौहान, मामा बोलते ना उनको, अरे हाँ यार मामा बोलते ना, मामा ने आके वापस से किसान के ऊपर कर्ज माफी कर दी. क्यों ये कर्ज माफी कैसे कर देते, अरे इनके पास पावर है. और हमारे देश के लोग खुश हो जाते, देखो कितना अच्छा आदमी है, किसान का क्या कर दिया इसने, कर्ज माफ. इन्होंने इतना पॉलिटिकलाइज, मतलब इतना पॉलिटिक ये करा हुआ है ना इसको, इतना उनका वोट बैंक का खतरनाक पॉइंट है. तो ठीक है, मोदी जी इनकम टैक्स लगा सकते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया. और पावर किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया हुआ है, किसने दिया हुआ है, इनकम टैक्स लगाने का पावर मोदी जी के पास है. जो यूनियन लिस्ट है शेड्यूल 7 की, जो फर्स्ट लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 82 बोलता है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, स्टेट के पास. कौन बोलता है, सेकेंड लिस्ट, कौन बोलता है, सेकेंड लिस्ट. सेकेंड लिस्ट हमको बताती कि क्या लगाया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है. उसका एंट्री नंबर 46 बोलता है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. सेकेंड लिस्ट किसके पास पावर रहता है, स्टेट के पास. एक और लिस्ट उसको बोलते हैं लिस्ट नंबर 3, वो लिस्ट को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. क्या बोलते हैं हम उसको, कॉन्करेंट लिस्ट. क्या बोलते हैं हम उसको, कॉन्करेंट लिस्ट. ये कौन सी लिस्ट है सर, ये लिस्ट के अंदर दोनों पार्टी लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है. सर एग्जांपल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड भी है सेंट्रल बोर्ड भी है, अरे हाँ या ना. अभी आप में से देखो कोई ना कोई सीबीएसई बोर्ड करेगा, आप में से कितने लोग सीबीएसई बोर्ड के हैं, अच्छे खासे लोग सीबीएसई बोर्ड के, बराबर है. बाकी अपन कौन से बोर्ड के हैं, स्टेट बोर्ड. अच्छा आप लोगों कोविड में 12th फ्री वाले बैच के बच्चे हो गए तुम, कोविड में 11th फ्री वाले बैच के बच्चे हो, मतलब तुमने 11th स्टैंडर्ड नहीं दिया, वही बैच है ना तुम्हारा, 11th एग्जाम्ड हो गया ना, नो एग्जाम, वही बैच है ना तुम. 12th का एग्जाम दिया था क्या तुमने, पक्का कसम से, ठीक है चलो तुम बोल रहे तो मानता हूँ मैं. हाँ हाँ आज देखो है ना यहाँ पे बच्चे हैं ना, तू भी 12th नहीं दिया ना, इसलिए ऐसा होता है, ध्यान से सुनो. 12th स्टैंडर्ड और कौन है यहाँ पे जो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम एग्जेम्प्ट है, नहीं दिया, दिया ही नहीं, अरे हाथ ऐसे क्या ही है, ऐसे क्या है? अबे साले ऐसा हाथ होता क्या. अच्छा ये सारे जितने लोंडे लोंडी यहाँ पे हैं इन्होंने 12th की एग्जाम नहीं दी. इसमें सीबीएसई बोर्ड का कौन है, ये सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है भाई. पहले इनकी एग्जाम कैंसिल हुई, मोदी जी आए, भाइयों बहनों शकलका बुम बुम, अरे बोले तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है. उस साल मोदी जी ने एग्जाम पे चर्चा भी नहीं करी, ये बहुत डीप था तुमको नहीं समझेगा, तुम देखते नहीं ना, तुम जनरल अवेयरनेस के ऊपर है नहीं इसलिए. तो सबसे पहले मोदी जी ने क्या करा, सीबीएसई की एग्जाम क्या कर दी. उसके बाद जो हमारे स्टेट बोर्ड के गरीब बच्चे थे, मतलब अब हमारी तो कोई सुन लो, वो बेचारे रोज परेशान थे कब हमारी एग्जाम एग्जेम्प्ट होंगी. उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीज़ें भी चलाई, हमारे को पढ़ने को नहीं मिला, हम बहुत मेंटली ट्रॉमा में थे, हमने इतने वाइवा करे, मतलब क्या नहीं चलाया भाई साहब, क्या नहीं चलाया उन्होंने. मतलब एग्जाम, हम कोरोना में एग्जाम कैसे देंगे, हमारे को कुछ हो गया तो सरकार जवाबदारी लेगी क्या. और तू जा जाके सरकार ने बताया वो कुछ तो भी 6 इंच का डिस्टेंस ना, 6 गज दूरी, 6 फुट, 6 फुट की दूरी बोला था, तूने बहुत मेंटेन किया समझा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ठीक है, तो तूने बहुत मेंटेन किया, तब तेरे को नहीं लग रहा था ये बीमारी मेरे को आने वाली है, तब तो तू खुशी खुशी कर रहा था, लेकिन जब एग्जाम का टॉपिक आया तो तू बोला भाई एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। हाउ इज दैट सर, कि देयर इज अ स्टेट बोर्ड ऑल्सो एंड देयर इज अ सेंटर बोर्ड ऑल्सो दैट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मैटर्स दिए गए हैं जिसके अंदर भाई कौन सा व्यक्ति कौन से दोनों के दोनों कौन से मुद्दे के ऊपर क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। दोनों के पास पावर है, दोनों के पास क्या है पावर, ईच एंड एवरी वन हैज अ पावर टू मेक लॉ ऑन दोस मैटर्स। यहाँ पे पूरी लिस्ट मिलेगी आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट है, ऐसे आप लोगों को लर्न वर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं। जैसे एक मैं आपको दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किसका रहता है, एक स्टेट का भी रहता है और एक सेंटर का। जैसे अभी हमको महाराष्ट्र में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलती है, MSEB, किससे मिलती है MSEB, वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ही है। किसका है भाई साहब, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये तो भाई हमारे लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस है ना, हाँ 22 है। ये जो एज स्कड्यूल है ना, हमारे देश की कितनी लैंग्वेजेस है उसके बारे में, दे आर 22 लैंग्वेजेस। हाँ भाई, ये स्कड्यूल में, एज स्कड्यूल में दिया हुआ है कि भाई कितनी लैंग्वेज है अपनी, 22। तुमको कितनी आती, कितनी आती तुम लोग को, 3-4 घंटा, तुमको एक पूरी नहीं आती। जो भी तुमको आती, इधर से कुछ लिया उधर से कुछ लिया, आधी इंग्लिश आधी हिंदी आधी मराठी, ऐसे तो करके तुम बात करते, तुमको लगता है तुमको लैंग्वेज आ गया, तुमको कम्युनिकेशन करने आ रहा है, लैंग्वेज नहीं आ रहा है। समझ में आया क्या, अब्बा डब्बा जब्बा है अपन में से आधे से आधे लोग, बस कम्युनिकेशन चालू है ना। तो 22 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज आती है, बाप रे बाप, 4-4 लैंग्वेज, मतलब क्या, मतलब इतने फ्री है तुम लोग, एक मतलब सादी भाषा से तुम्हारा काम नहीं होता। चलो तो यार यहाँ पे आप लोग को एक बात समझ में आई बेटा, तीन लिस्ट है, पहली लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 यूनियन लिस्ट के ऊपर टैक्स लॉ कौन बनाएगा, सेंटर, लिस्ट 2 के अंदर स्टेट, लिस्ट 3 के अंदर बोथ, बोथ कैन मेक लॉ, बोथ कैन मेक लॉ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सर अभी इनकम टैक्स लगाने का पावर तो मोदी जी के पास है, एंट्री नंबर 82 में हमको समझ में आया। इसका मतलब सर कोई वेस्ट बंगाल में काम कर रहा है, इनकम कमा रहा है, उसका टैक्स वो मोदी जी को देगा। इसका मतलब महाराष्ट्र में कोई काम करके पैसा कमा रहा है, उसका टैक्स वो मोदी जी को देगा। इसका मतलब कर्नाटका में जो पैसे कमा के, जो पैसा कमाएगा, इनकम कमाएगा, वो टैक्स इसको देगा, मोदी जी को। ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से जो भी व्यक्ति पैसा कमाएगा उसका वो टैक्स इसको देगा, मोदी जी। तो सर ये पूरा पैसा क्या मोदी जी उड़ा सकते हैं विदेश यात्रा में? अबे तुमने इसका मतलब कहाँ से कहाँ ले लिया, मतलब यार तुम लोग नहीं क्या नॉर्मल भी बात किया ना, तो तुमको लगता नहीं क्या लोंडा शेर है अपना, कुछ तो चल रहा है उसका, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है भाई, होता क्या है, अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि एंटायर पैसा मोदी जी का, ये जो टैक्स का पैसा आता है वो, ऐसा नहीं कि एंटायर पैसा किसके पास जाएगा, मोदी जी यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। एक कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनता है, सारा टैक्स का पैसा इसमें जाता है, सारा टैक्स का पैसा इसमें। हर स्टेट की अपनी भी नीड है पैसा की, हर स्टेट की अपनी भी क्या है नीड, किसकी, पैसे की। एवरी स्टेट रिक्वायर्स मनी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट को भी तो अपने काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो ये जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जमा होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द वेरियस स्टेट्स। किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अमॉन्ग द वेरियस स्टेट्स। सर ये किसने बोला, सर ये किसने बोला आपको, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ने बोला। भाई मैं आपको लॉ के टाइम पे बोल रहा था, ड्राफ्टिंग कमिटी के जो हेड थे, जिसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं, डॉक्टर, ये बहुत खतरनाक आदमी थे, इनके पास बहुत दिमाग था। इनको एक बात मालूम थी, दो मुद्दा बताऊँ, इनको बात मालूम थी टैक्स लगाने का पावर तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ सेंटर के पास पूरा पैसा रहेगा ना, तो सेंटर तो फिर स्टेट्स की ले लेगा, सेंटर वही स्टेट्स की मदद करेगा जिसमें इसकी खुद की क्या है, सरकार है। भाई सेंटर में बीजेपी है, अब साउथ में मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में बीजेपी नहीं है, तो आंध्र प्रदेश में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फिर मोदी बोलेगा मेरे को वोट दिया था क्या, चल अभी मांग उससे। बंगाल में बोले बहुत दीदी दीदी कर रहे थे, अब आए भैया के पास, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो मोदी जी क्या कर देगा भाई साहब, मोदी जी क्या कर देगा, मोदी जी झगड़ा कर देगा, बोले मैं पैसा नहीं देता हूँ,
अब आर्टिकल नंबर 270, कौन सा आर्टिकल बोला मैंने, कौन सा आर्टिकल बोला मैंने, 270। ये आर्टिकल बोला जो भी टैक्सेस आएंगे, जो भी क्या आएंगे, ये टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्या करने का, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा सर, मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे, नहीं मोदी जी डिस्ट्रीब्यूट, अरे मोदी जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो लफड़ा करेंगे ना, अरे अपने हाथ में भगोना है चावल का, अपन जिसको कम देना चाहते हैं अपन उसको एकदम थोड़ा सा देंगे, जो अपना पसंद करेंगे अपन उसको भर भर के थाली देंगे, अरे हाया ना, अरे हाया ना। बोले आर्टिकल 270 बोलता जो भी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आता है ये पैसा एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मोदी जी ये पैसा नहीं रख सकते। तो ये कभी कभी पप्पू आता ना, टैक्स में ये कर दिया, टैक्स में वो कर दिया, अबे बावले के मोदी जी अकेले रख रहे पैसा, ये पैसा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का पावर किसके पास है मालूम है, प्रेसिडेंट, किसके पास है सर, प्रेसिडेंट तो जो मोदी जी बोलेंगे वैसा करेगा, नहीं आर्टिकल 270 क्या बोला, प्रेसिडेंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन, मिनिस्ट्री नहीं रे, मिनिस्ट्री अगेन तो मोदी जी की हो जाती ना, मिनिस्ट्री अगेन किसकी हो जाती, मोदी, ये कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, इसका मोदी जी से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो अपना लॉ, अपना क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अपन बहुत नहीं पढ़ते, बहुत सारा लॉ नहीं है अपने को, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट है वो, क्या है उनका मोदी जी से कुछ भी लेना देना नहीं है, अगर वो मोदी जी के साथ तो इंटीग्रिटी खत्म हो जाएंगी, दे विल बी स्टार्ट बींग बायस्ड टूवर्ड्स मोदी जी, जो मोदी जी बोलेंगे वो होगा, ऐसा नहीं है, इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो बहुत चीज़ों को सोच समझ के बनाया, ऐसा नहीं कि बस इच्छा होगी तो कर दिया। तो बोले आर्टिकल 270 ये क्या बोला, पैसा जो आएगा सब में बटेगा, कौन बांटेगा, प्रेसिडेंट बांटेगा, किसके कहने पे, फाइनेंस कमीशन बैठ के बताएंगी क्या करने का और क्या नहीं करने, क्या करने का क्या नहीं करने का, दिमाग में बैठ रहा है बात, हाँ या ना। पहला कौन सा आर्टिकल देखा अपन ने, 265 क्या बोला, टैक्स नहीं लगा सकते जब तक लॉ, 245 क्या बोला, लॉ बनाने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट, 246 क्या बोला, लॉ बनाने का पावर जो पार्लियामेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो लिस्ट में दिया हुआ है, कौन से लिस्ट में दिया हुआ है, सेवेंथ शेड्यूल में, सेवेंथ शेड्यूल में जो पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 बोलता है कि बाबा इनकम टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, यहाँ पे अपन ने पढ़ा अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, हाँ या ना, फिर भी आपके सिलेबस के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम आएगा सर, ये तो चीटिंग है, वो आगे जाके समझेगा ये चीटिंग क्यों है, फिर भी आपके सिलेबस में आपको क्या मिलेगा, एग्रीकल्चरल इनकम, क्यों क्या आगे आपको और समझ में आएगा। फिर आपने देखा स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट क्या बोलता है भाई, इसके ऊपर स्टेट का पावर है, एंट्री नंबर 46 बोलता था कि बाबा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का पावर स्टेट के पास है। फिर जो थर्ड लिस्ट आती है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसके अंदर दोनों सरकार क्या बना सकती है, लॉ। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्या दिया था, एजुकेशन, क्या दिया था मैंने आपको, एजुकेशन। फिर हमने एक आर्टिकल देखा आर्टिकल 270 क्या बोला, जो ये पैसा आता है ना टैक्स का, क्या होता है, टैक्स का पैसा आता है ना, ये पैसा थोड़ी मोदी जी अपने पास रख सकते हैं, इसको तो क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, और ये बांटने का काम कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दिया है, और बोला है प्रेसिडेंट तू बांटेगा ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द, अब फाइनेंस कमीशन सबकी नीड्स देख के प्रॉपरली उसको क्या करती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो करना ही पड़ता है, आप ये कभी मत सोचना कि नहीं होता है, नहीं तो प्रॉब्लम का काम है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि टैक्स का पैसा सिर्फ मोदी जी लेके जाते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी क्या है, गलतफहमी। देखेंगे अगर आप, अपन ने इवेपोरेशन वगैरह अपन ने बोला था, मोदी जी ने आपसे पैसा लिया, आपके स्टेट को पैसा दिया, आपके स्टेट ने किसका डेवलपमेंट किया, आपका, तो एट द एंड आपसे जो लिया वो आप ही को दिया गया कि नहीं दिया गया, 100% क्या किया गया, दिया गया, याद रहेगा 100% क्या, भूल जाएंगे पॉइंट को, देखो अभी यहाँ पे कितने, देखिए टैक्स क्या है, कंपल्सरी मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, देना ही पड़ेगा, पूछ रहा है क्या, बता रहा है, पूछ रहा है क्या, बता रहा है, क्यों देना पड़ता है, अबे सरकार को बहुत सारे काम है, वो सारे काम के लिए सरकार को पैसा लगता है, जिसके अंदर अपन ने कितने टैक्स पड़े, दो, एक को क्या बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को क्या बोलते हैं
डायरेक्ट टैक्स के अंदर लाइबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन पे, इनडायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी बर्डन अलग अलग आदमी पे है। डायरेक्ट टैक्स कौन से नेचर का है? हायर इनकम, हायर इनकम, याद है क्या? पक्का। ये देखिए, व्हाई टैक्सेस आर लेविड, द रीजन फॉर लेविड टैक्सेस दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सरकार का पैसा कमाने का जरिया है। टू द गवर्नमेंट, रेवेन्यू सो रेज इज यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंसिस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, प्रोविजन फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके ऊपर अपन ने, सबके ऊपर अपन ने चर्चा करी हुई है, पहला जो लेक्चर हुआ था इसके ऊपर अपन ने इस पर बात करी थी, याद आ रहे कि नहीं आ रहे? अब मैंने बोला बुक में सब दिया हुआ है, बुक में क्या है? सब दिया हुआ है। आपको जब आपकी जब बुक्स मिल जाती है, आपने क्या करना चाहिए? आपने हार्ड कॉपी, हाइलाइटर, मल्टी कलर पेन, ये लेके चलने का और स्टिकी नोट्स लेके आने का। अगर आप ये सब करोगे, जिधर जिधर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेगा आप लिखोगे, गारंटीड आप एग्जाम में पास होंगे। कुछ आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे मेरे साथ, कुछ आपको घर पे दिए जाएंगे, आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा है, एग्ज़ाम छोटा नहीं है, और सिलेबस बहुत बड़ा है। एंड माइंडेड गाइस, टैक्स डीटी आईडीटी दोनों है, टैक्स में क्या डीटी आईडीटी दोनों है। अभी तो अपनी चर्चा बाकी है, एक्ट किसको बोलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स क्या है, दो तीन दिन तो अपने बेसिक्स ही चलेंगे। फाइनेंस एक्ट किसको बोलते हैं, फाइनेंस बिल किसको बोलते हैं, है ना, ये सब चीज़ों के ऊपर अपनी चर्चा क्या है, पेंडिंग। तो अगर आप लिखोगे नहीं ना, बहुत प्रॉब्लम होएगा, आप हाईलाइट नहीं करोगे ना, प्रॉब्लम होएगा। और ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हर बैच में हम बोलते हैं सुनने वाले बच्चे कम रहते हैं, 20% इसलिए रिजल्ट आता है, जो बच्चे सुनते हैं वो पास होते हैं, जो नहीं सुनते हैं बेटा सॉरी टू से, फिर वो लोग, मैं ये नहीं बोल रहा वो कुछ नहीं करते, वो इस कोर्स के लिए नहीं बने, फिर वो भी समझना पड़ेगा। क्या होता है, बच्चा पर्सनल ले लेता है कुछ कुछ बातों के लिए। बात चल रही, जिस रास्ते पे तू चल रहा है उस रास्ते के लिए तेरे को अपने आप को उस रास्ते के लायक बनाना पड़ेगा। तू जो रास्ता तूने चुना हुआ है, अगर तू उसके लायक का नहीं, तो तेरे को रास्ता क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये हमेशा बच्चे ने क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। बच्चे याद रखते नहीं, गुस्सा आ जाता है बच्चे लोग को, क्योंकि सच बोला तो, लेकिन बेटा एग्जाम है, पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अभी आपने लेक्चर किया, मेरे ख्याल से अभी अपन 1 घंटा 20 मिनट के ऊपर लेक्चर कर लिया, आपको मैं इतना गारंटी देता हूँ, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि बच्चे बोर ना हो, बच्चे क्या ना हो, बोर। ये मेरा रोल है, वो मैं करूँगा, लेकिन आपने भी आपका रोल करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चे, क्योंकि फाउंडेशन एक अलग है और इंटर बहुत अलग है, आपको अभी धीरे धीरे महसूस हो रहा है, और आप जब 8-10 दिन आगे जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा, अरे गेम ही अलग है। तो मैं एज अ टीचर मेरी जो जवाबदारी हो मैं पूरी करूँगा, कि भाई आपके साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाए, मस्ती के साथ आप पढ़ते रहें, कंसेप्ट भी दिमाग में जाए, सब चीज़ें आपके बैठे, लेकिन आपको जो बोला गया है वो आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप यहाँ पे हो और मैं यहाँ पे हूँ, उसका एक ही पर्पस है, वो क्या है, रिजल्ट। अच्छा, मैं आज यहाँ पे बोल देता हूँ, मेरे से पढ़ने वाला बच्चा पास भी होता है, फेल भी होता है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो मेरा टेस्ट है क्या बच्चे का टेस्ट है? क्योंकि अगर मेरे से पास हो रहा तो पास भी होना चाहिए बच्चा, पर हर बच्चा पास होता, क्योंकि बच्चा सुनता नहीं, जो सुनता है वो पास होता है, जो सुनता है वो क्या होता है, पास होता है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, 265 आर्टिकल पे आ जाएगा आपको, 246 पे आ जाएगा, यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 पूछ लिया था एक बार एमसीक्यू में, एंट्री नंबर 46 पूछ लिया था एमसीक्यू के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, छोटे छोटे मुद्दे हैं, अपन ध्यान देते नहीं है, अपन मार्क करते नहीं है, अपन लिखते नहीं है। जो भी आपका पर्पस रहेगा, जो भी आपका रीजन रहेगा, उससे नुकसान किसका होता है, बच्चों का होता है, बच्चों का नुकसान होना नहीं चाहिए। और आज जो बात बोलूँगा वो समझना पड़ेगा, आप सुबह 8:30 से लेकर 5:30 बजे तक आपका टाइम दे रहे हो, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम, द डे यू रिस्पेक्ट योर टाइम, टाइम विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। कुछ बातें हैं जो आपको अभी ही समझनी पड़ेगी अगले 7-8 दिन के अंदर, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में बातें बैठ गई तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वरना आपको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। और याद रखना, जो सक्सेसफुल रहता है लोग उसी को याद रखते हैं, फेलियर वाले को कोई याद रखता नहीं है। फिर आपको लाइफ में, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आदमी जब फेल होता है ना उसको रीजंस देने पड़ते हैं, क्योंकि उसको शर्मिंदगी होती है कि वो हार गया,
और उसके वो क्या ढूंढना शुरू करता है, रीजंस। ये एक फैक्ट है। देखो साइकोलॉजी पढ़ने वाला व्यक्ति हूं मैं, तो आई अंडरस्टैंड स्टफ। इंडिया में प्रॉब्लम है, वी डोंट टॉक अबाउट मच अबाउट साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। दैट इज आवर प्रॉब्लम ऑफ आवर बेसिक एजुकेशन सिस्टम, है ना। तो यार मेरे को एक चीज अच्छे से मालूम है, जब आपसे कुछ गलती होती है ना, तो आप उसको छुपाने के लिए सिर्फ झूठ बोलते हो। अगर आप फेल हो रहे हो तो आपकी गलती है कंप्लीटली। सर ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के आंख पर डालने की बात हो गई, बिल्कुल भी नहीं, सच बताने की बात है। तो जिस दिन पास होएगा तो तू मेरा स्टूडेंट है, जिस दिन तू फेल होगा मेरा स्टूडेंट नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। सर आप बहुत गलत बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, मैं सच बोलना मेरा काम है। ऐसा नहीं कि तू फेल होगा तो हम तेरे को सपोर्ट नहीं करते, ऐसा नहीं कि मोटिवेट नहीं करते, लेकिन मैं तेरे को एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर अपन फेल होते तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन रीजंस ढूंढते हैं, क्योंकि अपने को लोगों को फेस करना है और अपना सेल्फ ईगो सेटिस्फाई करना है कि मैं ये कारण की वजह से फेल हुआ और कोई कारण नहीं था। खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम झूठ बोलते हैं, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, हमारे साथ ऐसा हो गया था इसके वजह से हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया था इसके वजह से हो गया। रिसोर्सेज सबके पास है, अवसर सबके पास है, पढ़ने का अवसर माँ बाप सबके सब दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाबा किसी का कम दे रहा है, किसी को ज़्यादा दे रहा है। पढ़ाया आप कहीं से भी पढ़ो, सब टीचर आपको यूनिवर्सली पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि इस बच्चे को ज़्यादा है, उस बच्चे को कम पढ़ाया जा रहा है। रिजल्ट लाना आपके हाथ में, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा क्या चेंज करना है, एटीट्यूड। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, 8:30 से 5:30 बजे तक आप यहाँ पे बैठे हुए हो, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम, टाइम विल नॉट रिस्पेक्ट यू। सिंपल सा रूल है। जो आदमी को खुद के समय की कदर नहीं है, समय भी उसकी कदर करता नहीं है। समझा ठीक है, नहीं समझा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है किसी का, आपके अलावा। आप चर्चा का विषय बन जाओगे थोड़े समय के लिए, बाद में सब भूल जाओगे। तो एक अपने को समझना है भाई, जितना भी अपन पढ़ते हैं अपन ने घर पे आके क्या करना चाहिए, डेली के डेली रिवाइज। बच्चे कभी पूछते सर क्या शेड्यूल होना चाहिए, शेड्यूल सिंपल है, फिनिश योर लेक्चर, गो होम, हैव अ नाइस ब्रेक ऑफ 40-45 मिनट्स, हैव टी कॉफी वॉट एवर यू वॉन्ट एंड स्टार्ट स्टडिंग एट 7 o'clock। 7 से 10 पढ़ने का, खत्म करने का, सुबह का भी टाइमिंग दिया है, सुबह भी पढ़ने का खत्म करने का। 7 से 9 पढ़ो, सुबह का टाइम 8:30 को लेक्चर है, सुबह उठ सकते रहेंगे तो बहुत बढ़िया है। सुबह अगर 8:30 के लेक्चर से पहले अगर आप 2-3 घंटा, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा अगर आप डेली कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, मेरी गारंटी है हर बच्चा पास होएगा। लेकिन सब्जेक्ट टू तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा, तुम छोड़ोगे प्रॉब्लम होएगा। अच्छा रीजंस नहीं चलते कि मैं बीमार हो गया था, मेरे घर में ये तकलीफ हो गई थी, मेरे को गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी, मेरे को ये कुछ रीजंस कोई नहीं पूछता रीजंस। एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिस्टिंग टू योर रीजंस, अंडरस्टैंड। जिस गेम में अभी आप आए हो वहाँ का क्राउड 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 वहाँ का क्राउड आपके फेलियर के रीजंस सुनने में इंटरेस्टेड। बोलते काम हुआ क्या, पास हुआ क्या, आगे बढ़ा क्या, हर आदमी उसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा अगर आप डेली पढ़ना शुरू कर देते हो, कहानी खत्म है, आपको कोई नहीं फेल कर सकता। लेकिन आप सोचोगे कि हम 5-5:30 बजे तक तो क्लास में थे, अभी और क्या पढ़ना है, पढ़ाई हो गई, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, क्योंकि जो पढ़ाया गया है वो आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलत फहमी में आप ये खुद भी सोच लो कि मैंने आपको 5-5:30 बजे तक यहाँ पे बिठाया और आपने डेली क्लास करी, तो क्या गारंटीड आप पास हो जाओगे? नहीं। एक बार एक पेरेंट मेरे साथ, 2020 की बात है, बोले सर बच्चे का तो मैंने डेली भेजा, फिर बच्चा कैसे फेल हो गया? बोला सर उसने, हमने जो उसको पढ़ाया वो पहली बार पढ़ा उसने, घर पे जाके उसको रिवाइज करके पढ़ के मेमोरी में फिट भी तो करना पड़ेगा ना। अभी तो उसने सिर्फ उसको जाना है, उसको अपने अंदर बिठाया किधर है, अंदर बिठाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी क्या नहीं करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मतलब सर सचिन को जब उसको टेक्निक बताया ना, तो सचिन उसको प्रैक्टिस करता था, तब जाके सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट बना है। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, यहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते बच्चे,
कि हमने अगर डेली क्लास कर लिया हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट फाउंडेशन, इट इज इंटरमीडिएट. सेकेंड थिंग, सिलेबस ह्यूमंगस है. अभी कल मैं आपको इनकम टैक्स में कितने एक्ट रहते बताऊंगा, कितने सेक्शन रहते बताऊंगा, कंपनी लॉ में कितने सेक्शन रहते बताऊंगा, कल आपको बहुत चीजें समझेगी. तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, यह आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. पास होना, सर क्लास का पासिंग मार्क कितना है, क्लास का पासिंग मार्क, क्लास में क्या पास होने का, देखो इंस्टीट्यूट के एग्जाम में पास होने हैं 40%. अच्छा तू ये पूछता रहेगा कि सर आपके क्लास का पासिंग परसेंटेज कितना है. बेटा अभी तक तो एक भी बच्चा पास नहीं हुआ है. आई थिंक सो ये सवाल ही नॉनसेंस है ना. आप पढ़ने आए हो तो आपको ये सब पहले पद पूछना चाहिए था, है ना. और वह फ्रेंकली स्पीकिंग मैं क्लेम भी नहीं करता बहुत ज़्यादा, पास हो गया कहानी खत्म, पेड़े खाया कहानी खत्म, किसको रिजल्ट बेचना है बेचो, खरीदना है खरीदो, आई डोंट केयर. नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने एक ही चीज सिखाई, काम कर बेटे, काम से नाम होएगा, नाम करने से नाम नहीं होएगा. काम करेंगे तो क्या होएगा, नाम होएगा. पढ़ाई करेंगे तो तुम्हारा नाम होएगा. लेट योर वर्क स्पीक फॉर योर सेल्फ, दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी आपको समझेगा बाकी क्या है क्या नहीं है, ठीक है. बेटा बैकअप वगैरह के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, पहले हफ्ते में आपको 24 to 48 hours में आएगा, जब हम लोग उसके बाद आपको कंप्लीटली शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक एडमिशन हो रहे हैं. कंप्लीटली आपको क्या करेंगे हम लोग, आप अगर आपके बैचेस में जाके, आपके कोर्स में जाके देखेंगे तो एक कोर्स में आप एडेड भी हो, है ना. वो कोर्स से आप जाके देखोगे, वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, है ना. वहाँ पे लेक्चर्स आपको बाद में जैसे यूट्यूब के लेक्चर खत्म होता है अवेलेबल होते हैं ना, वैसे आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. टेक्निकल चीज़ों के लिए आई ऑलवेज एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू टॉक टू द टेक्निकल टीम ऑफ द क्लास, है ना. चलिए, और ये सब चीज़ें मैंने जब ओरिएंटेशन का क्लास लिया था उस दिन भी सारी चीज़ों के ऊपर क्या करी थी, चर्चा. आ जाइए, पावर टू मेक, ठीक है. द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर टू लेवी टैक्सेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. पावर किसने दिया, लिखा था, मैं लिखा था वहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 265 लेज डाउन नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. यही लिखा था मैंने. अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स लॉ नीड्स टू बी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट. लॉ रहेगा तो लग सकता है. द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द 7th लिस्ट. 246 क्या बोलता है, 7th लिस्ट शेड्यूल में जो बोला हुआ है उसके हिसाब से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है. कौन सा शेड्यूल है, 7th. 7th शेड्यूल के अंदर कितनी लिस्ट है, 3. कौन सी लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिस्ट 1 है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए लिस्ट 2 है, सेंट्रल एंड स्टेट के लिए कौन सा है, लिस्ट 3. चले, 246A क्या है, GST में पढ़ेंगे. किधर पढ़ेंगे, ये GST में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे एक फर्क है. एंड एज वेल बहुत बड़ा फर्क है. ये किसमें समझेगा आपको, GST. किसमें समझेगा, GST. ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है. ये किसका अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन. किसका अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन. यूनियन लिस्ट के अंदर मैंने आपको बोला था एंट्री नंबर कौन सी है बेटा, 82. किसके ऊपर लगाया जा सकता है, इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. लिस्ट 3 कौन सा है, स्टेट लिस्ट. कौन सा लिस्ट है, स्टेट लिस्ट. उसके अंदर कौन सी एंट्री बोली थी, एंट्री नंबर 46. कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों के दोनों क्या बना सकते हैं, लिस्ट में अंदर लॉ बना सकते हैं. एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने आपको, एजुकेशन. एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने आपको, एजुकेशन. याद रहेगा पक्का, 100%, ठीक है. लास्ट 5 to 8 minutes खत्म करेंगे, फिर कल हम लोग को आगे जाना है. इनकम टैक्स एक्ट, एक्ट का वर्ड समझेंगे, है ना. फिर बाबा उसके सोर्सेस क्या है वो समझेंगे, है ना, कल समझेंगे. अभी बस एकदम बेसिक पे जाएंगे हम लोग. ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं. हाउ टू रीड दिस सेक्शन, कैसे रीड करेंगे सेक्शन को आप, क्या रहेगा सबसे पहले, क्या रहेगा, ये क्या कहलाया जाएगा, सेक्शन. ये क्या कहलाया जाएगा, क्लॉज. क्लॉज क्या, क्या सब सेक्शन, सब सेक्शन. क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, क्लॉज.
इसको क्या बोलेंगे, सब क्लॉज। सर वो हम लोग क्यों भूल गए, क्या हो गया, तुमने जैसे अल्फाबेट देखा तो तुमको क्या लगा वो क्या हो गया, क्लॉज। जैसे तुमने अल्फाबेट देखा तो तुमको क्या लगा वो क्या हो गया, क्लॉज। सबसे पहले क्या रहता है, सेक्शन, फिर क्या आता है, सब सेक्शन, फिर क्या आता है, क्लॉज, फिर क्या आता है, सब क्लॉज। ध्यान से समझो सर, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे ना, तो उसमें आप बोलते थे कि सेक्शन टू क्लॉज एच, सेक्शन टू क्लॉज ए, सेक्शन टू क्लॉज बी। सर क्या रीजन क्या था, तभी भी पढ़ाया हुआ है, अभी भी पढ़ाऊंगा एक बार आपकी जानकारी के लिए। ध्यान से सुनो, जब कोई सेक्शन के साथ, अभी देखो मैं सेक्शन 12 लिख रहा हूँ, 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), जब कोई सेक्शन के साथ कोई पॉइंट रिलेटेड है, क्या है, रिलेटेड, उनकी लिंकिंग है, क्या है, लिंकिंग, तो उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, सब सेक्शन। क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली बोलो उसको, सब सेक्शन। जो डायरेक्ट लिंकिंग है, जो क्या है, डायरेक्ट लिंकिंग, जो क्या है, डायरेक्ट लिंकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, सब सेक्शन। क्या बोलते हैं हम, ध्यान रखना, अगर लिंकिंग पॉइंट ए उसके अंदर के चार पांच पॉइंट है तो वो सब सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब सेक्शन। जब हम लोग ये सेक्शन टू देखते ना, सेक्शन टू बेसिकली क्या है, सेक्शन टू डिफाइनिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है, डिफाइनिंग, कौन सा सेक्शन है, डिफाइनिंग। अब ये जो सेक्शन टू है, ध्यान से सुनो, इसके अंदर जैसे अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, ए बोलता ऑफर, ध्यान से सुनना, बी बोलता एक्सेप्टेंस, डी बोलता कंसीडरेशन, इनका आपस में लेना देना है क्या, नहीं। जब लिंकिंग नहीं होती तो अपन उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज, उसको क्या बोलते हैं, जब सेक्शन का लेना देना नहीं है आगे के पॉइंट के साथ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लॉज। क्या बोलते हैं अपन उसको, क्लॉज। अब एक बहुत बड़ी गलत फहमी रहती बच्चों की कि अल्फाबेट में लिखा तो क्लॉज है, नंबर में लिखा तो सब सेक्शन है, क्या है, बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी। कंपनीज एक्ट में आप देखेंगे ना, डिफाइनिंग सेक्शन, सारे डिफाइनिंग सेक्शन के जो क्लॉजेस है वो काय में लिखे गए हैं, नंबर, काय में लिखे गए हैं, नंबर। जनरली सब क्लॉज को अपन किस में लिखते हैं, अल्फाबेट, लेकिन जरूरी है क्या, नहीं। तो लिंकिंग रहा तो क्या बोलेंगे, सब सेक्शन, लिंकिंग नहीं रहा तो क्या बोलेंगे, क्लॉज। क्या बोलेंगे, क्लॉज, क्या बोलेंगे, क्लॉज। जैसे अभी आपको ज्यादा याद करने की तो बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 2, सेक्शन 10 और सेक्शन 47, ये तीन ऐसे सेक्शन है जिसके अंदर आगे के सारे मुद्दे क्या है, क्लॉजेस, क्या है, क्लॉजेस, क्या है। जैसे सेक्शन 10(1), सेक्शन 10 क्लॉज 1, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया, तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन 10 क्लॉज 1, क्योंकि बाकी जो 2, 3, 4, 5, 6 है ना, उसका 1 के साथ लेना देना नहीं है। जैसे सेक्शन 47 आएगा आपका कैपिटल गेन में, सर्टन ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, तो उनका किसी से भी लेना देना नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है कि सेक्शन किसको बोलते हैं और क्लॉज किसको बोलते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनो, एक और चीज आती है आपकी, देखिए क्या लिखा मैंने, सेक्शन 35, इसको क्या बोलेंगे, सेक्शन 35 क्लॉज है, सेक्शन 35 सब सेक्शन है, फिर क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सेक्शन ही है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा क्या है, 35A B, क्या इसका 35A से लेना देना है क्या, नहीं, ये सेपरेट क्या है, सेक्शन। जब भी अल्फाबेट कैपिटल में रहता है तो वो क्या रहता है, पूरा का पूरा सेक्शन का पार्ट है। सर कौन सी चीज सेक्शन का पार्ट है और कौन सी नहीं, अगर अपने को समझने का रहेगा तो कैसे समझेंगे, ध्यान से देख, यहां पे तेरे को क्या दिख गया, ब्रैकेट मिला ना, जैसे चीज ब्रैकेट में वो उस सेक्शन का क्या है, पार्ट, जैसे चीज काय में है, ब्रैकेट, वो सेक्शन का क्या है, पार्ट। यहां पे देखिए 35A कोई भी ब्रैकेट में है क्या, तो ये 35 है, पूरा का पूरा क्या है, सेक्शन। बच्चे क्या करते, भाई बोला रीड कर, बोलेगा सेक्शन 35 क्लॉज ए, अरे हंसेगा तेरे पे कोई भी, बहुत बेसिक है। तू सोच तू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तू इंटरमीडिएट क्लियर करके गया हुआ है, कल तेरे को इंटरव्यू में मैंने सेक्शन सामने रख दिया और मैं तेरे को बोला भाई बता,
इसको कैसे रीड करते हैं? तू क्या बोलेगा? सेक्शन 35 क्लॉज ए, सबसेक्शन ए। ए भाई, सेक्शन 35 ए, ये पूरा का पूरा एक ही सेक्शन है। ये पूरा का पूरा एक ही क्या है? सेक्शन। ये पूरा का पूरा एक ही क्या है? सेक्शन। पूरा का पूरा एक ही सेक्शन है। पूरा का पूरा क्या है? एक सेक्शन। कैसे याद रखने का? अगर अल्फाबेट कोई भी नंबर या अल्फाबेट ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो सेक्शन का पार्ट है, नहीं रहेगा तो वो अपने आप में सेक्शन ही है। वो क्या है? सेक्शन। याद रहेगा पक्का 100%? ये कैसे रीड करते हैं? पक्का याद रहेगा क्या? 100%। ठीक है, लास्ट पॉइंट सर, कल तो और पढ़ेंगे हम। सर बजट क्या रहता है फाइनेंस? कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल। इनकम टैक्स एक्ट में कितने स्केड्यूल है, कितने सेक्शन है? अभी मैं सिर्फ सेक्शन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सेक्शन। चैप्टर वगैरह भी कल बताऊंगा। कब बताऊंगा? कल। अभी सिर्फ सेक्शन बता रहा हूँ। कितने सेक्शन है? 298। कितने हैं? कितने हैं? बोलने के लिए 298 है, हकीकत में 700 के ऊपर है। कितने हैं? 700 के ऊपर। सर अपने को सिलेबस में पूरा नहीं है तो चिंता करने का नहीं। अपने को पूरा है क्या? नहीं। अपने को इंटरमीडिएट लेवल में टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है बाय अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ टैक्स, वो है। आगे के जो प्रोसीजर्स रहते हैं रेड के, सर्वे के, वो सब आपको किसमें पढ़ने मिलेगा? फाइनल। किसमें पढ़ने मिलेगा? फाइनल। ये सब आप फाइनल में पढ़ेंगे। किधर पढ़ेंगे आप? फाइनल। जैसे मैंने आपको सुबह आज कौन सी वेबसाइट बताई थी आपको मैंने? MCA। कल मैं आपको बताऊंगा कि बाबा इनकम टैक्स किसके डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये देखिए इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की वेबसाइट। अरे इंटरनेट गया लगता नहीं है। ये देखिए इनकम टैक्स, देखिए मोदी जी दिख गए क्या भाई? पैसा जा मोदी जी वहां, ध्यान से देखो। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है। सर ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? कल करने वाले। कब करने वाले हैं? कल। आज अपन ने बेसिक करा हुआ है। कल अपन, आज अपन ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी। आज अपन ने देखा पैसा क्यों लगता है, पैसा क्यों रेस किया जाता है, वो चीज़ अपन ने समझी। कल अपन आगे समझेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्ट, रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ये सब अपने को पढ़ने के रहते। कल समझेंगे आपको। जाते अपन एक्ट के अंदर। किसके अंदर गए भाई साहब? एक्ट। एक्ट अलग अलग है। देखो यहाँ पे फाइनेंस एक्ट भी दिख रहा है, दिख रहा है क्या? पर अभी अपन फाइनेंस एक्ट नहीं ले रहे। क्या ले रहे? इनकम टैक्स एक्ट। ये दिख रहा है इनकम टैक्स एक्ट। ये पूरे यहाँ पे सेक्शन है 1, 2, 3, 4। अभी मेरे को यार लास्ट में जाऊँ क्या मैं? एक मिनट रुक। 298 देख यहाँ पे सर्च कर सकता तू। दिख रहा है क्या? देख मैं बाजू में सर्च कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या? ये लास्ट सेक्शन है, दिख रहा है क्या? सेक्शन 298। तो इनकम टैक्स में टोटल कितने सेक्शन है? 298। क्या बोला मैंने आपको? 298। चलो ये एक दिखा था मैं, सेक्शन 35। ये देखो सेक्शन 35 35 35 ए 35 ए बी 35 ए बी ए 35 ए बी बी 35 ए सी ए डी बी सी सी सी। 18 है, ऐसे कितने? 18। सी सी ए, सी सी बी, सी सी सी, सी सी डी, डी डी डी, डी डी ए, ई। बस ना भाई, रोते रुला था क्या है? वाह भाई रुक गया। तो ये ऐसे रहता है, इसको अपन गिनते क्या? नहीं। वो आपको बोलते 35 ही है, क्या है? वो आपको बोलेंगे 35 एक ही है, क्या है? एक। पर वो एक है क्या? वो एक में 18 है। आगे के सबसेक्शन क्लॉजेस तो अपन गिनते नहीं, अपन मेजर गिनते। क्या गिनते? मेजर। ये देखे एक प्यारा सा दिखा तेरे को, सेक्शन 80। डरने का नहीं। अरे अच्छा, अपने सिलेबस का पार्ट था जो भी अपन ने देखा था। ये देखिए कितना मस्त है, 80 80, ए ए ए, ए बी ए सी, बी सी, सी सी, सी सी ए, सी सी सी, सी सी डी, सी सी ई, सी सी एफ, सी सी जी, डी डबल डी बी, ई डबल ई, रुको ई ई ए, अभी वापिस है ई ई ए, मां क्या अलग चल रहा है उसके, देख ला अभी ई बी एफ डबल एफ जी डबल जी, फिर आगे और चाहिए तो जी जी ए, फिर ए से बंद नहीं भरा तो जी जी बी, फिर एच ओ सी सी, आई डिन सी यू सी।
डबल एच 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 बी एच एच बी एच एच सी एच एच डी एच एच ई. बाप रे बाप रे, आगे चले. नहीं रे ऐसे थोड़ी, जो है आप लोगों को बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना. आई ए बी आई ए सी आई बी आई बी ए आई सी आई डी आई ई ए टी जे ए टी डबल जे ए टी डबल जे ए. अरे मैं बस बता रहा हूँ तुमको, डबल जे डबल ए ए टी के ए टी एल ए टी एल ए ए टी एम ए टी एम एम ए टी एन. बाप रे. ओ पी पी ए. रुको, अरे देखना पड़ेगा ना ऐसा कैसा. बस मैंने थोड़ी सिलेबस का पार्ट बनाया है उसको. ये देखो कहां से 80 क्यू से जाके डायरेक्ट किधर आता है, टी. उसमें भी बहुत सारे थे, टी 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 ए टी टी बी. चलो अरे रुको, घबराने का नहीं. खत्म. आठ पेज का सेक्शन 80 है इनके इनके इसमें रिकॉर्ड में. यहाँ पे आपको समझेगा, यहाँ पे एट ऑफ एट, वहां पे समझेगा, यहाँ पे पेज एट ऑफ एट कौन सा सेक्शन है 80. सर हमको पूरा है क्या सिलेबस में? खुशखबरी है कि पूरा नहीं है, 60% है. 60% कितना टक्का है? और ये जो 60 है ना बहुत इजी है. क्या है? बहुत इजी. अरे बहुत इजी, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसको ये लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन 80 क्या बोलते हैं ये लोग? ये उसको गिन के 298 सेक्शन है. ऐसे ये जो अभी अपन ने 30-40 पढ़े ना, उसको ने 298 में गिनते क्या वो? 298 में गिनते क्या वो? वो लोग नहीं गिनते. आपने को तो गिनना पड़ेगा ना. तो समझ में आया अपने को कितने सेक्शन रहते हैं इनकम टैक्स में? 298. हकीकत में 700 के ऊपर है. कितने के ऊपर है? 700. मात्र 700 के ऊपर का रहता है. लेकिन तुमको टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा, आधा आप किधर पढ़ोगे? फाइनल आधा ही पढ़ना है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना पढ़ना है? आधा. अरे 350 कैसे? 298 का आधा कितना होता है? 147 कितना होता है देख लेना यार. कितना होता है? 149. जो भी होता है तुम कैलकुलेटर कर लेना. तो इतने तुमको क्या करना है, पढ़ने का रहता है. चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं. लेकिन मेन मुद्दा क्या है, इसको पढ़ते कैसे? 80TT सेक्शन 80TT. उसको ऐसे नहीं पढ़ते कि सेक्शन 80 क्लॉज TT. लिंकिंग है क्या आपस में? नहीं. ब्रैकेट मिल रहा है क्या आपको? नहीं. याद रहेगा पक्का 100%, भूलेंगे नहीं. तो यार अपन ने क्या देखा आज? अपन ने बेसिकली देखा कि गवर्नमेंट पैसा क्यों लेती. गवर्नमेंट पैसा लेने का बहुत सारा मकसद है. तो उसके अंदर एक मकसद अपन ने देखा था, गवर्नमेंट को रन करना है, सेफली डेवलप करना है कंट्री को. तो पैसा रेस करने के अलग अलग सोर्सेज है. खुद धंधा करके भी पैसा लाती है, टैक्सेस के थ्रू भी पैसा लाती है. टैक्स के अंदर दो टैक्स रहते हैं, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या रहता है? इनडायरेक्ट टैक्स. और जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो बर्डन और लाइबिलिटी सेम परसेंट पर रहती है. इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन किसी और का है, लाइबिलिटी किसी और की है. सरकार लोन लेके भी पैसा लेंगी, लेकिन हमको उन दोनों से लेना देना नहीं, हमको टैक्स से लेना देना. और लोन टैक्स के अंदर आज हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स. जब हमने पढ़ा तो हमको समझा कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का रहता है, हायर द इनकम हायर द टैक्स. फिर दूसरा सवाल आता है कि सरकार टैक्स लगा सकती है क्या? उसके लिए उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रहना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंदर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि आर्टिकल 265 बोलता है जब तक तुम्हारे पास लॉ नहीं है तब तक तुम टैक्स नहीं लगा सकते. 245 बोलता है कि बाबा टैक्स लॉ लगा बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है. 246 बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट लॉ बना सकता है इन द मैटर गिवन इन द सेवन शेड्यूल. के अंदर तीन लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट के अंदर जो एंट्री नंबर 82 है वो बोलता है कि अपन इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर इनकम. और एंट्री नंबर 46 जो स्टेट लिस्ट के अंदर, वो बताती है कि बाबा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? और कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों. इतना ही पढ़ा है अपन ने, ज्यादा पढ़ा देखो ना तुम. अबे 30-40 सेकंड का था जो अपन ने पढ़ा, कितने सेकंड का था? 30. ज्यादा पढ़ा क्या अपन ने? नहीं. तुम ऐसा कर रहे जैसे मालूम नहीं तुमको मैंने कितना पढ़ा दिया. इतना सा ज्यादा था क्या? वो बोला था ना, वो डायलॉग था, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वैसा इतना ही पढ़ा है. ज्यादा पढ़ा हुआ है क्या? नहीं. बचा हुआ कल करेंगे. देखो मैंने क्या किया, मैं इतना अच्छा आदमी हूं, मैंने तुम्हारे लिए आज 15 मिनट लेट लेक्चर स्टार्ट किया. 2-3 दिन तुम्हारे लिए मैं 2:10, 2:15 को स्टार्ट करूंगा. और आज तो मेरे को और 5 मिनट लेट हो गया एक पेरेंट के साथ बात करने के. बहुत जल्दी अपन 2 बजे चालू करेंगे, 4 बजे खत्म करेंगे. चिंता करने का,
चिंता करने का नहीं सर, आपको ये सब याद रहता है, अरे पैसा मिल रहा है बाबू, करना पड़ता है। सर हम इतने स्पीड में कैसे बोल पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे 100% आप बोल पाएंगे। जब हम भी आपकी उम्र में थे तो हमको लगता था कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं, लेकिन जब हमने उसको प्रैक्टिस किया 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 उसके बाद चीज़ें हमारे लिए क्या हो गई, उसके बाद हमारे लिए चीज़ें क्या हो गई, ईजी हो गई। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, प्रैक्टिस से ही काम होने वाला है, और प्रैक्टिस में एक मैन एज वेल एज वुमन परफेक्ट। एक्चुअली वुमन क्यों नहीं बोलते, उसको भी डर है, हाउ डेयर यू, समझ में आया क्या तुमको, और कुछ नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो क्या है, परफेक्ट है। दैट्स इट यू गाइस, 4:10 पे हम लोग मिलने वाले, 4:15 को मिलेंगे हम लोग, किसके लिए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। बाय 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 बाय, 4:15